कौन है भाई? आ रहा हूँ। अबे चल, छोड़ो मुझे। कोलकाता तुम लोगों के हाथ में है, इसलिए तुम्हारा हाथ आज मैं काटूंगा। बिल्लू भाई, नायक को बुला, बुला अपने नायक बाप को बुलाना। उसे बोलना कि बिल्लू भाई मुझे मौत के घाट उतारने वाला, प्लीज बचा लो। सुना तूने? बुलाओ उसे, नहीं तो तुम्हारे चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। तूफान बुलाने से नहीं आता, वो खुद ब खुद अपना रास्ता चुन लेता है। वो एक ऐसा जलजला है जो तुझे खाक कर देगा। वो आएगा, कब आएगा? और आ भी गया तो जिंदा नहीं जा पाएगा। तू जिसके आने का इंतजार कर रहा है वो तेरी मौत है, वो आएगा। ए, जब नायक आएगा तो तुम सबकी रूह को तुम्हारे जिस्म से अलग कर देगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, या ऊपर वाले को याद कर लो, क्योंकि जब मौत आती है तो सिर्फ वही याद आता है। जान से मार डालो। मुझ पे वार करता तो फौलाद की तरह बर्दाश्त कर लेता, पर तूने दोस्तों पे वार किया। जल्लाद बन के खत्म करूंगा। शहर में इतना बड़ा हादसा हुआ, कई लोगों की जान गई, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? बताइए। आपके सवालों के जवाब मेरे बॉस आकर देंगे। एक काम करो, तुम अपनी माँ के साथ चली जाओ, मेरा आना बहुत मुश्किल है। अरे बात को समझो, यहाँ बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, मैं इस केस में उलझा हुआ हूँ, मुझे बार बार तंग मत करो। जनाब, हाँ बोलो, क्या मसला है? प्रेस वाले आए हैं। हाँ बोलो, जैसे ही वक्त मिलेगा तुम्हें फोन करूंगा। चलो रखो, क्या है? जनाब, प्रेस वाले हम लोगों से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, क्या जवाब दें? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ क्या हुआ है? हाँ,
एक कातिल आता है, कई लोगों की जान ले लेता है और मीडिया को लगता है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मैं गया तो मुझसे भी पूछेंगे आपने अभी तक कातिल को पकड़ा क्यों नहीं। तुम जवाब देते देते थक जाओगे पर उनके सवाल खत्म नहीं होंगे। उनका काम ही है तंग करना। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अरे बेटी काम खत्म करके आता हूँ। दूसरों की गोद उजाड़ने वाला आज लाचार खड़ा है। सही कहा जनाब। माफ कीजिएगा सर, तफ्तीश करने पर हमें पता चला है कि आपके भाई ने मौकाए वारदात पर कुछ लोगों को बांध कर रखा हुआ था। हो सकता है उनमें से किसी एक ने आपके भाई को जान से मार दिया हो सर। सुना है उसने इनकी हड्डियों का पूरा कचूमर बना दिया है। आपके भाई की मौत दरअसल ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से हुई है। अब क्या कहूँ सर, इतनी बेरहमी से उसने तू न्यूज चैनल में क्राइम रिपोर्टर है या इंस्पेक्टर है? सर मेरा छोटा भाई कैसे मरा ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ। उसे किसने मारा मैं बस ये जानना चाहता हूँ। मैं उसे मौत के घाट उतारूंगा। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। वो क्या छोटा बच्चा है जो भागा और जाके पकड़ लिया? अगर तुम्हारे फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो आखिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसने फोन किया है? इसके लिए तो नंबर ट्रेस करके तहकीकात करनी होगी। बिल्कुल करेक्ट। सबूत के नाम पर उस कातिल ने एक दिन का भी नहीं छोड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये रही उन सारी बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी दरिंदगी पहले कभी नहीं देखी। उस दरिंदे कातिल ने लोगों को ऐसे मारा है कि उनकी हड्डियां तक चकनाचूर हो गई, जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं बचा। अब डॉक्टर साहब आप ही बताइए, 135 करोड़ की आबादी में से हम उस कातिल को ढूंढे भी तो कैसे? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आई एम सॉरी, आप बताएंगे भी तो कैसे, पर वो कहीं भी छुपा हो मेरे शिकंजे से वो बच नहीं सकता। मैं उसे पकड़ के रहूंगा। चेरी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? साहबजादे सो रहे हैं, सारी रात जश्न मनाकर सुबह 4 बजे घर लौटा है। चेरी, ए चेरी, चल उठ। क्या है मम्मी? मैंने कॉफी टेबल पर रख दी है, ठंडी होने से पहले पी लेना। तू सुन रहा है ना? सुन लिया। हाय आंटी। क्या है? वो मेरी कॉलेज बस मिस हो गई है तो मॉम फरमा रही थी अगर चेरी मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दे तो। अच्छा रोजी, और क्या फरमाया मम्मी ने? तुम सुनना चाहोगे? फरमाओ ना। मॉम ने कहा है कि चेरी बहुत शरीफ लड़का है। अच्छा। मॉम ने कहा अगर आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है तो चेरी के साथ बाहर जा सकती हो। और क्या कहा? मुझे शर्म आ रही। तुम्हें शर्म भी आती है? हा? तुम्हें लगता है मैं गधा हूँ जो तुम्हारी अदा पर फिदा हो जाऊंगा? मैं चेरी हूँ, निकलो। चेरी हो रही है देरी। क्यों कांता, ब्यूटी टिप्स पढ़ रही हो क्या? नहीं रे बाबा, मैं इंग्लिश पढ़ रही है। लेडीज फिंगर से भी खाना बनता है क्या? लेडीज फिंगर मतलब भिंडी। तो सीधा भिंडी लिखना चाहिए था। इंग्लिश पेपर में भिंडी लिखेंगे? पहले हिंदी पढ़ना सीखो। वैसे भी काम छोड़ के ये सब क्यों पढ़ रही हो? जाओ काम करो। मम्मी नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लगी है। चेरी नाश्ते का नहीं लंच का टाइम हो रहा है, रोज लंच के वक्त नाश्ता करता है। सुबह से 2 बार तुम्हारे मामा जी तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, नाश्ता करके उनसे मिल लेना। मामा को तो मैं पटा लूंगा, कह दूंगा अलार्म ही नहीं बजा। पर मामा अब तक आए क्यों नहीं? सारी रात तो उल्लू की तरह जागता रहा। रियली? मामा जी। अरे ये क्या हाल बना है? पापा ने कहा आप सोए नहीं, बीमार हैं क्या? नींद उड़ गई है क्या? जिंदगी के सुरताल गायब हो गए हैं, बेताल हो गया हूँ मैं। लेकिन मामा आप इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि जिंदगी अकेली कट रही है। लेकिन हुआ क्या है, खुल के बताइए। सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था और अचानक मुझे कॉल आया और मैंने फोन उठाया। हेलो। नमस्ते जनाब। मैरिज ब्यूरो में जो आपने तस्वीर भेजी थी हमें पसंद आई, बहना आपसे मिलना चाहती है, अगर वक्त हो तो आकर मिल लीजिए। ठीक है मैं वहीं आता हूँ। या दिल में नई तरंगे जागी इसलिए मैंने गाड़ी जोर से घुमाई। अबे दूल्हे के सामने मत थूकना वरना वो भाग जाएगा। ए जल्दी से फेंको इसे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम गुंडे हो। दूल्हे को जरा भी शक ना हो जी, थोड़ी जान पहचान तो हो जाए, सब प्यार से पेश आना। अबे हाँ तो बोलो। लगता है पिछले जन्म में बिल्ला था। जरा इसकी आंखें तो देखो, बालों से गोरिल्ला लगता है ना। हाँ बालों से गोरिल्ला और आंखों से बिल्ला। दूल्हे राजा की गाड़ी आ गई, लगता है उनके पापा हैं। नमस्ते सर, आप अकेले आए हैं? है? तो क्या पड़ोसी को भी साथ लाना था? मतलब माँ माँ बाप तो पहले ही गुजर गए। आपके माँ बाप को नहीं? अरे यार खड़े खड़े इंटरव्यू लोगे क्या, फटाफट लड़की को बुलाओ। बड़े हैं आशीर्वाद ले लो बहना। कोई जरूरत नहीं, ये सब धक्कियां उसी बातें। आप बैठो,
मुझे लड़की पसंद है। एक बार उनसे भी बात हो जाती किससे तो... बात कर लूं? जब मैं हूं तो किससे पूछ रहा है? मुझे तुम पसंद हो, अगर अकेले में कुछ गुफ्तगू करनी है तो चलते हैं। आपके साथ नहीं, दुल्हे के साथ गुफ्तगू करनी है, उसे जानूंगी तभी तो फैसला कर पाऊंगी। तुम्हें गलत फहमी हुई है, दूल्हा मैं ही हूँ और कुंवारा भी। आ? तो ये फोटो परसों ही निकाली थी। हाँ? अपने परसों पुराने एल्बम से। छी छी। बहना मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही। पैर कमर में है और जवानी की फोटो मैरिज ब्यूरो में भेजता है। जवानी में क्या घास चल रहा था? गाड़ी पंचर हो गई थी। गाड़ी पंचर हो गई? अरे अपनी उम्र का तो ख्याल कर ले। बंदर गुलाटी मारना नहीं भूलता। अब देखिए ना, टिक टिक लोशन, टिक टिक लोशन, बलवान खान, बलवान खान, उन पे लड़कियां फिदा है ना। हाँ है। तो जब उन पे फिदा है तो मुझ जैसे नौजवान पे फिदा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं फिल्मों में नहीं आता, इसलिए। बात में दम है। बचपन और जवानी की फोटो देख के बाल की खाल मत निकालो। इतनी हॉलीवुड की हीरोइन आई, लेकिन क्या हम अपनी बॉलीवुड की हीरोइंस को भूल गए? क्यों टकले? बिल्कुल नहीं। इसी तरह आज का नया कल पुराना हो जाता है और वो पुराना परसों और पुराना, इसलिए हाँ कर दो नहीं तो तुम्हारी बहन कुंवारी रह जाएगी। बकवास कर रहे हो। आप मुझे हाथ लगाए तो शादी से पहले वो बेवा हो जाएगी। तुमने हड्डी तोड़ गज्जू भाई का नाम सुना है? तू जानता है उन्हें? लंगोटिया यार है, बचपन में लंगोट बांट के पहनते थे। एक फोन करूंगा तो यहाँ आकर तुझे जिंदा गाड़ देगा। ए, हमारे मालिक गज्जू भाई के खातम खास हैं। बुढ़ा होके बहना से शादी करना चाहता है। मालिक इसको कब्र में लेटा दो। ठहर जा, ये बात मेरी जहन में आ गई है। अगर यहाँ लड़े तो कोई देखने वाला है नहीं, खुले मैदान में चलते हैं, कोई घर तो पहुँचा देगा। तुम पूरे 20 हो और मैं अकेला, मुझे भी अपनी T20 बना दे तो फिर लड़ाई करते हैं। मैं अभी आता हूँ अफ्रीका से अपनी टीम लेके। अंपायर तुम ले आना। वहाँ से मैं 11 नंबर की बस पकड़ कर भागा, शादी करने चला था, शमशान पहुँच जाता। मेरा फोन का नंबर उनके पास है। अब वो मुझे 24 घंटे धमकियों पे धमकियाँ दे रहे हैं। ना बाहर जा पा रहा हूँ, ना मैं किसी से मिल पा रहा हूँ। कुछ करो। आप सीधे लगते हैं पर है नहीं। उम्र 55 की और फोटो बचपन की, ये गुस्ताखी नहीं है? यही नहीं, एक और गुस्ताखी की है। कौन सी? गज्जू भाई का भी नाम ले लिया। अगर सच्चाई जाहिर हो गई तो मुझे निकल जाएगा। आपको गज्जू भाई से डर लग रहा है? चलिए उससे मिलते हैं। पहले ही आग भड़क चुकी है, उसे और मत भड़काओ। मुझ पे भरोसा है ना? आपको कुछ नहीं होगा, चलिए। कैसा भाई? अबे अंदर किधर जा रहा है? गज्जू भाई से मिलने। बॉस बिजी है, चल बाहर वेट कर। ठीक है। मामा। हाँ, क्या हुआ? ये गुलाब का फूल देखा? अबे क्या कर रहा है, उसी के बाग में उसी के फूल को तोड़ रहा है। अबे मरवाएगा, तू तो मरेगा साथ में, मैं भी मरूंगा। बिल्कुल अप्सरा जैसी है। इससे सेटिंग करता हूँ। अरे मेरे लिए नहीं। अरे आपकी बात कौन कर रहा है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ मामा। इससे टाका भिड़ गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक तीर से दो निशान, मैटर सॉल्व। कुछ सॉल्व नहीं होगा भांजे, उल्टे हम लोग और दलदल में फंस जाएंगे, सर फोड़ देंगे ये लोग। मुझे कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए। चला देख बेटा, मोहब्बत में कई फरार हुए। बॉस बुला रहे हैं। अरे कहाँ जा रहा है? इनिंग्स खेलने शुरू नहीं की और एक विकेट गिर गया है। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे मैं हूँ ना, हिम्मत रखिए। सलाम भाई। भाई मैंने आपको बताया था ना, ये चूसा आम मेरी बहन को देखने आया था। नहीं मामा, है चूसे हुए आम। शक्ल सूरत तो अच्छी है, बन जाए इसका साला। मैं आगे वाले चिकने की नहीं, पीछे उस डेढ़ फुटिये की बात कर रहा हूँ, वो गंजा। आपको एक बात बताऊं, ये भाई का नाम इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करता है। मेरे घर आके भाई के नाम से मुझे धमका रहा था। मेरे आदमियों को धमका रहा है? हा? वो भी गज्जू का नाम लेकर। तेरी इतनी मजाल, तेरा नाम क्या है रे बांगड़ू? चंपक। चंपक? बड़ा ही भद्दा नाम है, किस बेवकूफ ने रखा? ये नाम मेरे दादाजी ने रखा था। मेरी माँ का नाम चंपा था और बापू का पक पक, दोनों को मिला के चंपक अच्छा है ना? अच्छा, और तेरा नाम क्या है? चेरी। अच्छा चेरी, तेरी चुरन की दुकान है क्या? नहीं चाचू, चेरी तो निकने में। आहा, एक का नाम चंपक और एक का नाम चेरी, दुनिया को चूना लगाओगे। ए, इनके चिथड़े कर दो। अबे रुको, मुंबई में गज्जू भाई का नाम इस्तेमाल करना गुनाह है क्या? अरे पब्लिक पागल है इनके पीछे, हर जगह गज्जू भाई की वट है, इसीलिए इनका नाम यूज किया। गलती की। शाने, मैं पूछ क्या रहा हूँ और तू बोल क्या रहा है? सीधे सीधे मुद्दे की बात कर, गोल गोल जलेबियां मत घुमा। तुम्हारी मोटी खोपड़ी नहीं समझेगी, गज्जू भाई समझ जाएंगे। मुंबई का बड़ा पाव गज्जू भाई अपना बड़ा पाव, मुंबई का बच्चा बच्चा यही बोलता है।
अगर कोई पुलिस का मैटर हो, गज्जू भाई का नाम लो, मैटर सॉल्व। कॉलेज में एडमिशन चाहिए, गज्जू भाई का नाम लो, सीट मिल जाएगी। और तो और, राशन की लाइन में केरोसिन लेने के लिए भी गज्जू भाई का नाम लेके लोग घुसते हैं, क्यों मामा? हाँ, मस्का लगा के चने के झाड़ पे चढ़ा दे। ए चाचे, क्या भतीजे? बोलने दे उसे। एज योर मर्जी। तू चालू रख बेटा। क्या पांचवी फेल पंटर पाल रखे, इन्हें आपका रुतबा पता नहीं है? अरे ईद के दिन भाई की पिक्चर निकले तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट कभी मिलती है क्या? नहीं मिलती, लेकिन मुझे मिलती है, क्योंकि मैं गज्जू भाई का नाम लेता हूँ। अरे गज्जू भाई का नाम ले लो तो ना ट्रैफिक हवलदार पावती काटता है और ना पुलिस वाला हफ्ता। इतने ताकतवर आदमी का नाम लेना गलत कैसे हो सकता है? क्रेडिट कार्ड समझ रखा है, मतलब जहाँ मौका मिले वहाँ इसके नाम का इस्तेमाल करके चौका मार दो। ए चाचे, क्या है भतीजे? ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें शहर में अपने रुतबे का पता चलता है। सही पकड़े हैं सर। सर सर, इफ यू डोंट माइंड, एक सेल्फी ले ले। मामा धंधे पे लग जा। आज तक नाम इस्तेमाल किया, अब इसका चेहरा भी इस्तेमाल करेगा। हाथ नीचे सर, आपका हाथ ऊपर, करो जो मर्जी। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। गज्जू भाई आपकी बहन है। मामा इनके साथ भी एक फोटो। अबे मौत को क्यों दावत दे रहा है, बहना के साथ फोटो क्यों चाहिए? अरे आप सोचो मत, खींचो। ये खींच दिया ना, ये मुझे ऊपर खींच लेंगे। बहुत हो गया, अब पानी से सर ऊपर जा रहा है। भतीजी की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? उसमें मसला क्या है चाचा? मसला ही मसला है भतीजे, घर की इज्जत की पब्लिक सिटी होगी अब। ये शक्ल से ही रोड छाप लगता है मुझे। बेटा तुम जाओ स्कूल। टाटा। गज्जू भाई कौन से कॉलेज में पढ़ती है? अबे नावाकुल तुझे क्या करना है, हम लोग माफी मांगने आए थे या एड्रेस पूछने? बात को समझो मामा, क्या? अगर कॉलेज का एड्रेस पता चल जाएगा तो वहाँ के टपोरियों को वार्निंग दूंगा। गज्जू भाई की बहन है, हाथ मत लगाना वरना हाथ उखाड़ दूंगा। क्यों भाई? सही कहा, बीटेक फाइनल ईयर श्रेयस इंजीनियरिंग कॉलेज। बांट दो सारी जानकारी बांट दो, घर का एड्रेस, पिन कोड नंबर, फोन नंबर, सारी जानकारी दे दो इसको, ताकि एक दिन ये अपनी बारात लाके हमारी पूंगी बजाए। जो मुंह में आ रहे बकरे, सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? गज्जू भाई भगवान जैसे हैं, उनकी बहन के साथ में कोई ऐसी वैसी हरकत? अगर खामोश नहीं हुआ तो ये लोग हमें ना जिंदगी भर के लिए ऐसा खामोश कर देंगे कि हमारी समाधि भी यही बन जाएगी। खामोश भाई, ये लोग कुछ भी कह ले, लेकिन मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आप समझ गए होंगे ना? लिफाफा देख के मजमून भाप लेते हैं हम, चेहरे से सच्चाई झलक रही है बेटा। चेहरा भी पढ़ लिया। तेरे को कोई भी परेशानी हो गज्जू को आवाज दे दे। सर सर एक और काम है, इनसे कहिए ये मेरे मामा को तंग ना करें। ठीक है, काम हो जाएगा। थैंक यू गज्जू भाई, चलता हूँ। भाई बहुत पहुंची हुई चीज है ना। साइलेंट मोड पर क्यों है? गले की बैटरी डाउन हो गई क्या? अभी आवाज गई है, अगर ऐसी चलता रहा ना तो बहुत ही जल्द हमारा नामो निशान मिट जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, उसी से शादी करूंगा। I love her। गए काम से कर्म फूटे मेरे। अरे लेफ्ट क्यों लिया? उसके कॉलेज जाना है मामा। अंजलि, अंजलि, मैंने तुमसे इजहार किया और तुमने मुझे ठुकरा दिया। मुझे तुम्हारी कसम है, अगर तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहाँ से कूद के मर जाऊंगा। तुम कहती हो या कूद जाओ। अरे देख क्या रही हो, जल्दी से उसे हाँ कह दो। तुम्हें आई लव यू तो बोला है, उस खजूर के कूदते ही पुलिस वाले, मीडिया वाले नंदनाते सांड की तरह इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे बचा लो बेबी। पर वो क्यों आएंगे? वो भिन भिनाती मक्खियाँ हैं, हादसा होते ही कैमरा उठाकर सूंघते सुखाते पहुँच जाते हैं। आई लव यू बोल दो बेबी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कल को कोई भी उठ के कहेगा आई लव यू बोल दे तो क्या ये सबको बोलेगी? ए, अगर कूदना है तो जल्दी से कूद। बुढ़ाओ अपना मुंह बंद रख, उड़ता तीर मत पकड़। अंजलि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आई लव यू बोल दो, मैं नीचे आऊंगा नहीं तो सीधा ऊपर जाऊंगा। देखा, तुझसे बड़ा नमूना यहाँ मौजूद है। मुझसे बड़ा नमूना और कोई नहीं है। अंजलि सोच क्या रही हो, जल्दी बोलो। हाँ कर दो बेटी, वरना वो पिलपिल आम की तरह नीचे गिर के पिचक जाएगा। अंजलि कहीं ये उसकी जगह तो नहीं कूदेगा? अंजलि उसे आई लव यू कहा तो मैं कूद जाऊंगा। ये मरने मराने का कॉम्पिटिशन चलोगे? ये सब तेरी वजह से हो रहा है गंजे। अबे कौन है तू? मैं कौन हूँ ये मत पूछो, ये पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। मधु उसे आई लव यू नहीं कहेगी। अरे बांगड़ू ये क्या नया झमेला लगा रखा तुमने, एक कहता है आई लव यू बोलो, दूसरा कहता है मुंह मत खोलो। मेरी सलाह मानो अंजलि, तुम भी जाकर उनके साथ कूद मरो। अपना ज्ञान अपने पास रख, तुझसे सलाह नहीं मांगी। सुनो बे, मेरे लेक्चर का टाइम हो रहा है, तुम लोग जल्दी से कूद जाओ। ये क्या कर रहा है भाई, क्यों मेरे प्यार की पुंगी बजाने में तुला हुआ है? मेरे इस कबाब में जबरदस्ती हड्डी क्यों घुसा रहा है? हड्डी मैं बन रहा हूँ या तू? मेरी बिरयानी में हाथ डालेगा तो बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। अब दिमाग चला और नीचे उतर जा, हकीकत बताता हूँ। कैसी हकीकत? नीचे उतरेगा तभी बताऊंगा ना। आता हूँ। ये तो कमाल है, कैसा जादू चलाया इसने जो इसकी बात मान गया। क्या बोल रहा था बे? किसी को डरा के जो प्यार मिलता है ना, वो ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। वैसे भी वो मेरी है तो कल्टी मार। ओके? अच्छा इसके लिए नीचे बुलाया तूने? देख यार, तू गज्जू भाई को जानता नहीं है, पहुंची हुई चीज है, तुझे भी टपका देगा। तुझे उससे डर नहीं लगता क्या? मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ। कैसे? अरे अभी तू बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा।
चेरी चेरी चेरी, आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी अंजलि से मिलने जा रहा हूँ। वो अंजलि तेरी अपनी कब से हो गई बे? इससे पहले कि मेरे हार्ट को अटैक आ जाए, चल यहाँ से जल्दी चल। कहाँ जा रहे हैं? चलिए अब। अरे क्या कर रहा है? शुक्रिया, तुमने मुझे जेल में चक्की पीसने से बचा लिया। बहुत खूब। हाँ ओके। थैंक यू सो मच। ये क्या? इतना रिस्क लिया और सिर्फ थैंक यू? और क्या चाहिए तुझे? तुझे क्या वो कोहिनूर हीरा ला के दे देगी? चल यहाँ से। अरे एक मिनट मामा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई थिंक आई लव यू। नहीं तो मैं इस खामोशी को हाँ मान लूँ? भाई से पूछ के बता दी। अरे ऊपर वाले मुझे जल्दी उठा ले। तुझे कभी डर नहीं लगता क्या? डरने से क्या होगा, वो हमें बकरे की तरह काट देगा। चलो कुछ सोचते हैं। चलो। भतीजे भतीजे, पता है तुम्हारे उस दो टके के फैन ने क्या हीरो गिरी की? कॉलेज के टेरेस से तुम्हारी बहन को धमकी दे रहा था कि आई लव यू नहीं बोला तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं सही तो बोल रहा हूँ, बीच में टोको मत। अभी तो सिर्फ उसने अंजलि को आई लव यू बोला है, कुछ करो वरना अनर्थ हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं किया तो अंजलि को लेकर यहाँ से उड़नछू हो जाएगा। तुम चुप क्यों हो? आखिर कुछ बोलते क्यों नहीं? शहर में नाक कटवाओगे क्या? चेरी। ये यहाँ भी आ गया? वही तो रोना है। चेरी ने असली बात बता। आपके रहते मैं कैसे बताऊं भाई? रुक मैं बोलता हूँ। एक लड़का बोला अगर अंजू उसे आई लव यू नहीं बोलेगी तो वो छत से कूद के खुदकुशी कर लेगा। अकलमंदी दिखा कर चेरी ने बचाया। किसे? कूदने वाले लड़के को? नहीं चाचू, अंजलि को। अरे इसने तुम्हारे दिमाग पर काला जादू कर दिया है। इससे पूछो इसने अंजलि को आई लव यू कहा कि नहीं। हेलो, आपके कपड़े में आग लगी और मैंने आपको कुएं में धकेल दिया, इसका मतलब ये नहीं इन्हें डुबाना है। उस लड़के को कन्विंस करने के लिए आई लव यू बोलना बहुत जरूरी था। मेरी एक्टिंग इन्हें नेचुरल लग गई तो क्या कर सकते हैं सर? वो आपकी बहन है गज्जू भाई, मेरी भी तो कुछ लगती है ना। क्यों मामा? भतीजे इसकी बातों पर यकीन मत करना। दिखने में बड़ा शरीफ लगता है लेकिन मन इसका बहुत काला है। गज्जू भाई आप मुझे अपना खास आदमी बना लेंगे, इस बात से सबके सब जलते हैं। और आपकी बहन को भी गुमराह कर दिया इन लोगों ने। मेरे भतीजे को मेरे खिलाफ। चुप। मैं जो भी फैसले लेता हूँ दिमाग से नहीं दिल से लेता हूँ। मुझे तुझ पर पूरा एतबार है। तूने अंजलि को बचाया उसके लिए थैंक्स। अब जा। कहा था ना पहुंची हुई चीज है। मामा यहीं रहोगे क्या? घर चलो। चल। जिसे खाली तमंचा समझने की भूल कर रहे थे वो तो पूरा का पूरा मिसाइल चलाने वाला उस्ताद निकला चाचू। बहुत ही चालू चीज है, भतीजे को अपने जाल में फंसा दिया। अच्छा हम लोग जाल से निकल गए। अगर इन्हें गलती से भी सच्चाई का पता चल जाता तो ये हमें मुर्गी की तरह छील देते। अच्छा पता चलेगा तब ना। मरवाएगा। चंपा। ओह चलो चलो, खैरात की बिरयानी नहीं बटेंगे, काम पे लगेंगे। कमान कमान कमान। आपने मुझे प्यार से बुलाया? प्यार से नहीं, नफरत से। कहाँ है वो? दूर का रिश्तेदार था, बहुत दूर चला गया है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं खुद बात करूंगी उस नौटंकी से। अगर अगले 10 मिनट के अंदर उसने आई हेट यू नहीं कहा तो उसके साथ साथ तुम भी गए समझो। ये क्या जनाब, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप हंसे जा रहे हैं? नामाकूल, हमने सोचा था कि सैलाब आएगा लेकिन वो नहीं आया। चलो चलो। शुक्र है लड़की इससे प्यार नहीं करती। अब अगर चेरी से आई हेट यू कहला दो तो मामला सुलट जाए। बंदे की तो हवाएं उड़ गई। हाँ? हाँ? कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त गर्म दिमाग से नहीं सोचना चाहिए। हेलो कौन हो तुम, क्या बकवास है? एंगल तुम्हारी तरफ है लेकिन ट्रायंगल वहाँ बना रहा हूँ। अगर एंगल वहाँ का है तो ट्रायंगल स्टोरी क्यों घुमा रहे? उसकी तरफ देखने से डर लगता है। हाँ? कहीं फिर से प्यार ना हो जाए। क्या कर रहा है? I hate you बोलना तो I love you कह रहा है इसे। हाँ कहता हूँ। अच्छा बताओ, ऑटो में बैठकर फरारी के सपने देखना गलत है? नहीं बिल्कुल नहीं। उसी तरह मुझ जैसा एक सिंपल लड़का ऐसी अमेजिंग लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत होगा क्या? नहीं तो बकवास मत करो। अरे ठीक है ठीक है, इतना ही प्यार आ रहा है तो सीधा मुझसे बात करो ना। मेरे इस बेचारे मामा को क्यों हलाल कर रही हो? इन्हें बीच में मत लाना। देखो हलाल करने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है। वैसे भी ये डरते हैं तो इनका बीपी लो होता है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुड बाय, फिर मिलेंगे। भांजे बस एक बार तू आई हेट यू बोल दे। क्या सोचने लग गया? एक जरूरी बात कहना भूल गया। अब क्या कहना है? अभी बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे काम आएगा। देखो लाइफ में कभी भी किसी को भी किसी से भी प्यार हो सकता है। जरूरी नहीं सामने से प्यार मिले, एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी किसी का प्यार ठुकरा हो तो उसकी भी कोई वजह हो। कभी कभी सामने वाले की भी सोचनी चाहिए, तुम भी सोचना। तो आखिरकार अंजलि के प्यार का बुखार उतरा कि नहीं? प्यार का बुखार तो अभी बस चढ़ने लगा है। स्निफर डॉग्स की मदद से ये पता चला है कि जिस रात भीमा सिर का खून हुआ उससे एक दिन पहले संजू नाम के आदमी को यहाँ से उठा के ले गए थे। ये रहा उसका घर।
ड्रॉअर में देखो। जनाब तो क्या सारे कत्ल संजू ने किए हैं? ये मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो कुछ गुंडे एक खूंखार कातिल को इतनी आसानी से अगवा कैसे कर सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है उनका सरगना कोई और है। सर ये स्लिप मिली है। उनका अगला ठिकाना है मुंबई। इस स्लिप के मुताबिक उन्होंने कलकत्ता टू मुंबई ट्रेन टिकट निकाला है। हमें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचकर उन्हें दबोचना होगा। मैं बस अभी मुंबई पहुंचा हूं। या साहब साहब सुनिए जनाब, इन लोगों को पैसे मत दीजिए। आपसे पैसे लेने के बाद ये लोग नशा करते हैं और आपके पैसों से रात भर अयाशी करते हैं और साथ ही साथ जुआ भी खेलते हैं। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, पर आ जाते हैं सिग्नल पर भीख मांगने के लिए। जितनी आपकी कमाई नहीं उससे ज्यादा तो इनका खर्चा है, इसलिए भीख मत दो। अच्छा तो तू इन्हें अपने पास काम पे क्यों नहीं रखता? मैं क्यों रखूं? इन सबका मैंने कोई ठेका लिया है क्या? ये सब भरोसे के लायक ही नहीं है। इसकी मजबूरी हो सकती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम्हारी मर्जी। ये ले। तुझे तो तेज बुखार है, तुझे इस वक्त आराम करना चाहिए। अगर मैं आराम करूंगा तो दामू सेठ मुझे जान से मार डालेगा। दामू कौन? मेरा मालिक। बुखार है, डॉक्टर के पास जाना है। एक बार मेरे दोस्त ने मना किया तो उसने उसकी टांग काट दी। रहम कीजिए, कुछ दे दीजिए, रहम कीजिए। ये वही मेरा दोस्त है भैया, ये डांसर बनना चाहता था पर सेठ ने इसकी टांग काट दी। दामू सेठ के आदमी हर सिग्नल गली के नुक्कड़ कोने कोने में फैले हैं। शहर में जितने भी बच्चों की चोरियां होती है वो सब दामू सेठ ही करवाता है। एक बार जो बच्चा उसके चंगुल में फंस जाता है फिर वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। तुम लोग पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? दो बच्चे पुलिस के पास गए थे पर उसने उन दोनों के जान से मार डाला। नहीं चाहते हुए भी हम सबको उसके डर की वजह से भीख मांगना पड़ता है। ये दामू कहाँ मिलेगा? क्यों बे हराम खोरो, भीख मांगना छोड़ के अय्याशी हो रही है? दिन भर खाना ठूस के खाते हो और भीख एक बार मांगने जाते हो। पता नहीं लोग कॉइन्स क्यों देते हैं, नोट क्यों नहीं देते, गिनने में हमेशा तकलीफ होती है। सवेरे सवेरे चिल्लर का ढेर देखकर दिल बाग बाग हो गया। शर्म करो बस, चवन्नियों के नीचे दबके एक दिन मर जाओगे। छोटे हम एक दिन में जितना कमाते हैं उतना कोई साहूकार भी नहीं कमाता होगा। अरे बेवकूफ, ये जो चिल्लर के ढेर है ना, इनके आगे नोट भी पानी कम है। तेरी खोपड़ी में ये बात फिट नहीं होगी। जरा एक बात बता, हमारे सारे भीख मंगे इन चिल्लरों से दिन भर में कितनी कमाई करते हैं? अरे मेरे मुन्ना, ये रकम बहुत बड़ी है, बोरियों में नहीं समाती, कैलकुलेटर में कैसे फिट होगी? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ये चिल्लर वही बूंदे हैं और तू सागर में खड़ा है। आ गया मेरा लाडला, मेरा शहजादा। आई लव यू बापू। लग रहा है ना अपुन एकदम झक्का? एक नंबर, ये चिल्लरों से जो फिल्म बनेगी उसका तू हीरो होगा। सिर्फ भिखारी ही अगर थिएटर में घुस गए तो पिक्चर सुपर हिट। हीरो नहीं, अपुन को तो विलन बनना है। विलन बन के अपुन चक्कू घोपेगा। उससे क्या होगा, अंदर से अतड़िया बाहर आएंगी ना। ए, कौन है तू? ये मार क्यों रहा है? अरे ये कौन है? ए भाई, अबे रुक जा। अरे जान ले लेगा क्या? क्या कर रहा है वो? भाग जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ। मेरे घर में घुसकर मेरे ही बेटे को मारता है, कौन है तू? मैं वो हूँ जिसे न्योते की जरूरत नहीं। शेर, तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? छोड़ दे मेरे बेटे को वरना तेरी खाल खींच लूंगा। तूने क्या इन सब का ठेका ले रखा है जो इनके लिए दामू सेठ से पंगा ले रहा है? छोटे जरा इसे बता क्या चीज हूँ मैं। पूरे भिखारियों का राजा है ये, अंधा लूला लंगड़ा काना, सबका मालिक दामू शाना। अबे तेरे जैसे को खड़े खड़े खरीद सकता है, फुटले न किसी चौराहे पर भीख मांगता दिखेगा। हाथ पैर तोड़ दो इसके। Yeah!
मार डालो इसको। इंसानों से जानवरों जैसा सुलूक करता है। जिन्हें अपने माँ की गोद नसीब नहीं, उन बच्चों के हाथों में कटोरे थमा दिया तूने। बस करो यार, और कितनी हड्डियां तोड़ोगे? अब तो भिखारी भी इन्हें भीख नहीं देंगे। हमें भी तो हाथ साफ करने का मौका दो। मैं सच कह रहा हूँ भाई, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है, एक इल्तिजा है। ओए बस करना, इसके हाथ में कटोरा पकड़ाकर इसे पैदल ले जाइए, कम से कम दो चार चवन्नियाँ मिल जाएंगी। आपने इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ, मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, वो आपको नजर नहीं आता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप एसएमएस कॉन्टेस्ट चलाते हो, किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, कोई फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, उसका बिजनेस कितना होगा ये देखते हो, पर मासूम बच्चों की क्या हालत है उसे नजरअंदाज कर देते हो। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। सच तो ये है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, समाज में मुझसे भी कई नेक लोग हैं जो बेसहारों को सहारा देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सबको बताइए, इस देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए प्लीज। आप बहुत अच्छे भैया। आइए आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने शहर के जाने माने बेगर माफिया को बेनकाब करके कई लोगों की जान बचाई। शहर के बीचों बीच ये गिरोह कई सालों से काम कर रहा था, पर आज तक इसकी भनक ना सरकार को लगी और ना ही पुलिस को। उस बहादुर इंसान का नाम है चेरी, जिसने अकेले ही पूरी गैंग का मुकाबला किया। वाकई बंदा जिगर वाला है, यही बनेगा मेरा हमसफर। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? शिशरवारी है। आप वाकई बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। शुक्रिया। आप यहाँ अचानक कैसे? अब आपसे क्या छुपाऊं, चेरी की बात पे बहुत गौर किया, उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी, उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। उससे कहो आईआईटी बोला कैंसिल। अरे मर गए, आईआईटी नहीं बोला तो हम मर जाएंगे। बोलेंगे ना, क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा ये मेरे बोलने पे डिपेंड नहीं है, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड है कि वो क्या सुनना चाहता है। मुझे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास ले आइए ना प्लीज। अच्छा, ईगो की प्रॉब्लम है, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, उसमें भी ईगो है, अब दोनों के ईगो को बैलेंस कैसे करूँ ये सोचना पड़ेगा, क्या करूँ मुझे पता नहीं चल रहा। चंपक फरमाइए। सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। सर फोड़ेगी मेरा, कोशिश करता हूँ। चेरी, चेरी क्या है? तुझे मामा से प्यार है ना? मामा से प्यार है, इसीलिए तो उस लड़की को छोड़ दिया ना। छोड़ मत, उसे तू अपना ले मेरे भाई। क्या मामा, जब चाहे कनेक्ट किया जब चाहे डिस्कनेक्ट किया, ये कोई फोन लाइन नहीं है, मेरा दिल है। किसी पीटी लाइने मत बोल। मुद्दा ये है कि वो चाहती है कि तू उसे आई लव यू बोल दे बेटा, बोल दे, इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा और तुझे भी। टीवी पे मेरी न्यूज नहीं आती तो वो मुझसे प्यार नहीं करती क्या? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती। ये तो चिराग तले अंधेरा है, तू नहीं मारा तो मेरी तरह खाली बीन बजाता रहेगा। मामा बजा बेटा बजा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा भी ईगो है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो, तुझे मन की बातें सुनाई देती है क्या? नहीं तो क्यों? यही बात वो भी कह रही थी, अपना अपना ईगो हटाओ और जाके प्यार का पोगो खेलो। मामू मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। तू टिंबकटू का राजा है क्या? अरे उससे भी बड़ा हूँ। राजा साहब वो मार डालेगी। उसका भाई मारेगा वो नहीं। ये मर गया। भाई साहब आप आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम लोग पसीना बहाओ, खून बहाओ, मैं अकेले में आंसू भी नहीं बहा सकता। ठीक है लगे रहिए। अबे गजल थोड़ी गा रहा हूँ। टूटी किस्मत मेरी,
भाजा मेरा चरी मर गए रे। बहुत क्यूट हो। थैंक्स यार। मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं होता। यकीन कर लो। चलो कुएं और खाई के चक्कर से तो बच गया मैं। अगर ईगो पकड़े रहते तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मालिक गज्जू भाई की बहना चेरी के साथ फुर हो रही है। अब इसके पर कतरेंगे गज्जू भाई। जब बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उस पर मीठे मीठे आम थोड़ी ना आएंगे, कांटे ही चुभेंगे ना। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि इस सांप को दूध मत पिलाओ। दस लिया ना, लोगों को पता चलेगा तो अब इसके नाम पे थूकेंगे लोग। क्या कह रहे थे तुम? किसी का चेहरा देख के उसके अंदर की सच्चाई को भांप लेते हो। अगर ऐसा होता ना तो अंजलि गुलछरे नहीं उड़ाती। छी छी छी, तुम्हें लाख बार समझा लेकिन तुम नहीं समझे। मैंने आगाह भी किया था तो कहा नहीं तुम नहीं समझते, ऐसा बोल के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो। अंजलि आके कहेगी भैया मैंने दूल्हा चुन लिया है, देख लेना। जिंदा नहीं बचेगा। जो मेरे साथ तोहरी चाल खेलता है मैं उसे बख्शता नहीं। अंजू मुझे अपने दिल की बात बताया, उससे पहले मैं ठोक डालूंगा उसे। ये हुई ना बात, गाड़ी निकाल। मालिक यहीं टपका दूं? रुक एक मिनट। अरे चाचू वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने ही है, एक गोली में उसका काम तमाम हो जाएगा, टपका दूं उसे। दिन दहाड़े टपकाएगा तो शहर में हाहाकार मच जाएगा। चुपचाप उसका पीछा कर, मैं गज्जू को लाता हूँ। अरे भागा भागा। हेलो किधर है वो? वो जेजे फ्लाईओवर पर इस वक्त मेरी बाईं ओर है, कहो तो दाएं से ठोक दूं उसे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये काम गज्जू अपने हाथों से करेगा, तू उसका पीछा कर। हाँ ठीक है भाई। हेलो रोमियो कोर्ट पहुंच गया है। वहीं कब्र खोदेंगे उसकी। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें खतरा है? अरे भीड़ भाड़ में टपका देंगे, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। माँ जी हाँ बेटा। आपसे एक काम था, ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट पकड़ लीजिए, मैं अंदर हाँ, जाके ले लेता हूँ। आप जाइए। माँ जी वो पैकेट ये लो बेटा। चाचू रोमियो अंदर चला गया। हाँ तो हम भी चलते हैं ना। हाँ चलो। देखना गज्जू बेटा, आज जो कत्ल करेंगे ना वो हमारे आज तक के सब कत्लों में नंबर 1 होने वाला है। रुकिए सर, अंदर मीटिंग चल रही है। हम तो बस उन्हें बुलावा देने आए थे, गज्जू की सगाई है ना। इंतजार कीजिए। चलो बेटा चलो चलो। कहाँ छुप गया वो? जाओ दिखा दो उसकी औकात। इसने डीजीपी को टपका दिया तो हम क्या चीज हैं? ये हमारी कब्रें ही न खोद दे। रज्जो इसको बाद में देख लेंगे, जल्दबाजी हमें महंगी पड़ सकती है, इसलिए अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। अरे वो आ रहा है। अबे चाचे मेरी धड़कन बढ़ गई। मेरे तो खरबूजे फट रहे हैं, जरा पीछे मुड़ के देख वो यहाँ से गया कि नहीं। ए, सुना नहीं? इतनी गोली खाएगा तो जाएगा ही ना। अरे कमबख्त, मैं डीआईजी की बात नहीं दामाद की बात कर रहा हूँ। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बच गया है। गज्जू भाई को दौरे पे दौरे आ रहे हैं, अच्छा हुआ कब्र में ले लेटे। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से इन्हें फीवर आया। हाल ही में इन्होंने कोई हादसा देखा है? हाँ, बहुत ही भयानक हादसा, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही, बोलना होगा। किसे? भतीजे को? अरे नहीं नहीं, हादसे को। सख्त बंदोबस्त होने के बावजूद आज मंत्रालय में डीआईजी का कत्ल हो गया,
अभी तक किसी ने इस कत्ल की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस सरगर्मी से कातिल की तलाश में लगी हुई है। मंत्रालय के सारे सीसीटीवी कैमरे। शुक्र है भतीजे, उसने हमें देखा नहीं। अगर देख लिया होता ना तो डीआईजी के साथ हमारी खबरें भी छप जाती, वहीं हम भी लेटे होते। कहाँ पर खबर में डॉक्टर? चेकअप हो गया ना, अब क्यों खड़े हो यहाँ? दफा हो जाओ आप। भैया भैया, सुबह तो तबीयत ठीक थी ना, ये कैसे हो गया? इस सब की वजह तुम हो। मेरी वजह से क्यों? तुमने ही उस सब समझ गया मैं, बहन के प्यार ने अंधा कर दिया है तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं, आप जाएंगे। तुम्हें दिख रहा है ना, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है। जान लोगी बच्चे की, जाओ यहाँ से। कितनी बकबक करते हैं, मुझे भैया को कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे सब पता है। मुंह बंद रखिए। अब भैया मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। कहा ना, मुझे सब मालूम है। पहले ही वो तवे की तरह जल रहा है, अब बम की तरह फट जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ भैया उसे मुझसे भी ज्यादा चाहते तो हैं, लेकिन उसे टपकाना। भैया उस लड़के को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पता है चेरी है ना वो, उस चेरी की वजह से गज्जू का ये हाल हुआ है, उसे भूल जाओ। देखिए अंकल, मुझे पता है कि आप उससे बहुत जलते हैं, लेकिन भैया को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कुछ बोलो भतीजे, कब तक इसकी टर टर सुनेंगे? तुम जाओ यहाँ से। मुंह बंद रखिए अपना। भैया चेरी आपसे मिलना चाहता है। अरे गज्जू भाई, आप तो सीधे लेट गए, तबीयत तो ठीक है ना? इसने कुछ ऐसा देख लिया जो इसकी जबान ही बंद हो गई। ऐसा क्या देख लिया? एक या दो नहीं, पूरे छह छह गोलियां मारी गई हैं। गज्जू भाई पहले से ही डरे हुए हैं और आप इन्हें डरावनी खबरें दिखा रहे हो। गज्जू भाई ने जो हादसा देखा था कहीं ये वही तो नहीं? मैंने ऐसा कब कहा, वो दरअसल ऐसा हुआ कि वो छोले ज्यादा खा लिए तो गैस बन रही है। अरे वो तो कल तक ठीक हो जाएगी। अब अंजलि ने आपको हमारे बारे में बताया ना, वो कह रही थी आपने बचपन से इसकी सारी तमन्नाएं पूरी की हैं, अब शादी की तमन्ना है वो भी पूरी कर देंगे ना, आपको कोई एतराज नहीं है ना? वैसे मैं अच्छा लड़का हूँ। अरे ये चुप क्यों है? इसे क्या एतराज होगा, हमें तो मंजूर है। भांजे जरा हंस के हामी भर देना, जाओ काम हो गया। अरे शुक्रिया तो मांगे। शुक्रिया गज्जू भाई, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारा रिश्ता कराने वाला मैं हूँ। मैं सांड के यहाँ गया था गज्जू भाई का नाम लेके, फिर सेटलमेंट करवाने तू मुझे यहाँ लेकर आया, तुझे अंजलि पसंद आ गई। उसके बाद अब अपनी ये घिसी पिटी बकवास स्टोरी बंद कर, तेरी मुराद पूरी हो गई ना तो बकवास क्यों कर रहा है, चुप कर। गज्जू भाई वैसे अगर मैं अंजलि को अपने घर वालों से मिलवाने ले जाऊँ तो चलेगा ना? तुम्हें ये मना कैसे कर सकता है, जाओ मजे करो। वाह, वैसे आप भी थोड़े पहुँचे हुए हैं। हाँ मालूम है, मस्का मत लगाओ, जाओ ले जाओ इसे। चलो भाई। सुनो चेरी, तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी मिल गई, अब तुम दोनों जाकर घूमो फिरो और ऐश करो, हम यहाँ इस मामे के साथ पार्टी करते हैं। ओके सर, मामा एंजॉय। थैंक यू। देखो मेरे भाई, अंजलि और चेरी की शादी तो फिक्स हो गई, मेरे बारे में भी कुछ सोच, मुझसे बेहतर दूल्हा तुझे नहीं मिलेगा। अबे आंखें फाड़ के मत देख, मैं गज्जू भाई का होने वाला समधी हूँ। क्यों मनसुख भाई, खाना लगाओ। पूरा मोहल्ला खाना खाएगा क्या? खाना डालो। इतना खाया तो मर जाऊंगा। नहीं खाएगा तो भी जाएगा, चल खा। ये तो मेरे एक महीने का राशन है, एक हाथी भी नहीं खा सकता। देख मेरे भाई, मिल बांट के खा लेते हैं। ए चंपक, दावत को ठुकराना मतलब मौत को बुलाना। इस खाने को खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो जिंदा रहने के लिए खाओ, क्योंकि अगर भूखे रहे तो मारे जाओगे। खाना शुरू कर। दोनों तरफ मौत ही मौत है, मुझे भूखे नहीं खा के मरना चाहिए। क्या सोच रहा है? कुर्बानी दूंगा। इतनी भी क्या बेसब्री थी जनाब, खाने के साथ साथ पूरा पतीला भी निकल लिया। पतीला निकला नहीं, ठूसा गया है मुझमें। शर्माओ मत, बताओ कौन सा महीना था? हाथ मत लगा, इसे ठोकेगा तो हर जगह से फट जाएगा। बात बता, काला खट्टा खाएगा? अबे तू डॉक्टर है या रेडी वाला, दवाई की जगह काला खट्टा बेच रहा है? वो तो पार्ट टाइम बिजनेस है। ठीक होने के बाद तुझे फुल टाइम मरूंगा। हाँ बर्गर है, मुझे ठीक कर, इस तर्क से निकाल मेरे बाप निकाल। अब तुझे ठीक करने के लिए तेरा चीरफाड़ करना पड़ेगा। क्या कहा? इस तरफ सर, ये रही बॉडी। जहां कत्ल हुआ वहां की सारी वीडियो फुटेज हमने मंगवा लिया सर, आप चाहे तो सारी फुटेज देख सकते हैं। प्ले सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा। ए, ये सब कौन है?
जो हर जगह दिख रहे हैं। ये गज्जू नाम का नामचीन गुंडा है और ये उसकी गैंग। वो क्या कह रहा है, मुझे इसका ऑडियो सुनो। हमारे पास इसका ऑडियो नहीं है सर। क्या हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा शख्स है जो लिप रीडिंग करता हो, जो इसके कहे हुए शब्द हमें समझा सके? हाँ जनाब, एक है। कौन है वो? सर आपने कहा था ना लिप रीडिंग के लिए। सलाम सर। ड्यूटी पर भी शराब पीते हो? शराब नहीं सर, ये मेरा पेट्रोल है जो मुझे एक्टिव रखता है। अंगूर की बेटी अंदर तो सब बेहतर। सारा दिन टुन रहते हो? नहीं ऐसा नहीं है सर, बल्कि मैं तो इसे पीने के बाद होश में आता हूँ। इस बेरंग दुनिया में यही तो एक जीने का सहारा है। बताइए इसे छोड़कर कौन हमारा है? यहाँ हर इंसान नफरत का मारा है सर। सुना है लिप रीडिंग बहुत अच्छी करते हो। लिप रीडिंग में मुझसे माहिर खिलाड़ी कहीं नहीं मिलेगा, आजमा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, टेप दिखाओ इसे। प्ले। रिवाइंड एंड प्ले। देखना गज्जू बेटा, आज जो कत्ल करेंगे ना वो हमारे आज तक की सब कत्लों में नंबर वन होने वाला है। बढ़िया, कमाल कर दिया। इस काम में तुम वाकई उस्ताद हो। गुनहगारों को सिंक में लाने के लिए लिपसिंक करना पड़ता है सर। इन सबको फौरन गिरफ्तार करके मेरे सामने लेकर। जी जनाब। सुनो, तुम्हें जितनी भी पुलिस फोर्स चाहिए अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये बंदा वन मैन आर्मी है सर। शाम तक रुकिए, सारे क्रिमिनल्स हाजिर हो जाएंगे। कमाल का कॉन्फिडेंस है, आई लाइक इट। शुक्रिया जनाब। हमने जिसे चूहा समझा वो तो खूंखार शेर निकला। मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि हम चूहे हैं, वो कभी भी निकल सकता है हमें। अब उसके इशारों पर नाचना पड़ेगा। बर्बाद हो गए रे। दो नंबर के पैसों से नंबर वन इमारत बनाई। कौन अबे तू, उठा के अंदर आ गया। सोच रहा हूँ सच्चाई का सेटलमेंट कैसे करोगे। हमने सेटलमेंट का धंधा बंद कर दिया है, चल निकल। कैसे, कब, क्यों? पागल हो गया क्या बावले? मेरे भतीजे की मर्जी। ये बात हजम नहीं हुई। यहाँ से जाने के बजाय खड़े होके पवा मार रहा है, चल फुट ले। जानी आए हम अकेले हैं पर जाएंगे बारात के साथ। इसे ले जाके बाहर नाले में फेंक दो। रुक जाओ, वरना ये सीबीआई ऑफिसर तुम्हें नेस्तनाबूत कर देगा। तुम सबको ससुराल ले जाने आया, चलो। अबे सुन, तेरे जैसे बहुत सीबीआई वाले आते हैं यहाँ पे, गज्जू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तो हवलदार लग रहा है, चल निकल। वैसे रिश्ते में तो हवलदार मेरा ससुर है, जिसने मोटा घूस देकर मुझे सीबीआई डिपार्टमेंट में घुसेड़ा। सीधे दिल्ली से आया हूँ तुम्हें भीगी बिल्ली बनाने। फैसला कर लो कि चड्डी में चलोगे कि पतलून में। जल्दी आ जा। हाँ चलिए, हम आ रहे हैं। ले आया सर। नमस्ते सर। नमस्कार, क्या करते हो तुम लोग? कुछ नहीं साहब, छोटी मोटी वसूली करते हैं बस। अबे तू अपनी चोंच बंद रख। हम सेटलमेंट करते हैं सर। मतलब? वो हम गरीबों की जमीन के मैटर, टाइम पर पेमेंट ना मिलने के मैटर, सास बहु पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाते हैं हम। और जो हमने मामले को सेट कर दिया तो जिंदगी में कभी अपसेट हो नहीं सकता। नफरत नहीं, प्रेम से रहना सिखाते हैं हम। मुझे ये बताओ कि 21 तारीख को तुम मंत्रालय क्यों गए थे? मंत्रालय वो क्या होता है? गलत फैमिली है सर, हम ठहरे शरीफ लोग घर से बाहर कहाँ निकलते हैं, तो मंत्रालय कैसे जाएंगे? झूठ, वो भी सफेद। सच सच बताओ। झूठ बोले कौवा काटे सर, हम तो सच्चे लोग हैं। मिनिस्टर्स और एमएलएस के साथ हमारा उठना बैठना है, हम एक ही गिलास में पीते हैं। मतलब तुम वहाँ चाय पीने गए थे? हम कहाँ गए थे, हम तो घर पर ही पीते हैं। ये क्या बार बार आप एक ही सवाल? क्या बोल रहे थे तुम? वो तो मैं कह रहा था आज शुक्रवार है ना, तो हम आज खटाई नहीं खाएंगे, ये कहा था। लेकिन खून पी सकते हो है ना? छी छी छी, मैं तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। क्या बात कर रहे हो, मैं तो नींबू पानी पीता हूँ, एसिडिटी नहीं होती है, पेट साफ रहता है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। ओ, गलती हो गई हमसे। देखना गज्जू बेटा, आज जो कत्ल करेंगे ना वो हमारे आज तक की सब कत्लों में नंबर वन होने वाला है। ये आवाज तो मेरी है ही नहीं। अरे सर, मुझे सब कुछ याद आ गया, ये मेरी आवाज है, मेरी आवाज है। आपने जो कुछ कहा वो सही कहा, ये मेरी आवाज थी। तो मैंने ये कहा कि किस कत्ल की बात कर रहे थे? एक मंचले ने मेरी भतीजी को फंसाया, उसे हम डराने वहाँ गए थे, छोटी सी वार्निंग दी थी, पर उसने तो हमें ही डरा दिया। कहीं तुम्हारा मतलब उस कातिल से तो नहीं जिसने डीआईजी का खून किया था? लगता आप मुझसे कुछ उगलवा कर मेरे। डीआईजी के कत्ल के वक्त तुम सब कहाँ थे? मैं नहीं जानता था। देखिए सर, उस डीआईजी का कत्ल मैंने नहीं किया है।
मेरे भतीजे को बुखार है और मुझे सीने में दर्द है। मुझे मारा। बुरा मत मान, सर ने ही तो मारा है ना। ओके, तुम लोग जा सकते हैं। इंक्वायरी हो गई, हम जा सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी तो एकदम हलवा है, हम जा सकते हैं। सुनो, उस लड़के का नाम क्या है जो तुम्हारी भतीजी से प्यार करता है? चेरी, पूरा नाम चरण है। और वो करता क्या है? हार्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंपनी का नाम तू बताना। सीजी ट्रिक्स, सेक्टर 2, लाल चौक। ठीक है, चलो दफा हो जाओ। चलो चलो। ये क्या जनाब, आपने इन्हें जाने क्यों दिया? इनके जैसे डरपोक लोग किसी का खून नहीं कर सकते। इनसे ध्यान हटाओ, असली पर लगाओ। सही कहा ना? तुम कैसे कह सकते हो कि ये खूनी नहीं है? मैंने उनकी आंखों में खौफ महसूस किया है। लबों को पढ़ने के साथ साथ आंखें भी पढ़ लेता हूँ। वाह क्या बात है, इतनी पीने के बावजूद दिमाग घोड़े की तरह काम करता है। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। तो क्या हम उन्हें गिरफ्तार कर लें? उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों सर? उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद उसने मंत्रालय में घुसकर डीआईजी का कत्ल कर दिया और हमारे डिपार्टमेंट को उसकी भनक तक नहीं लगी। वाकई वो बहुत शातिर है। उसे पकड़ने के लिए हमें भी उसी की तरह शातिर बनना होगा। कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें वो पूरी तरह से फंस जाए, और इसके लिए हमारे पास सबूत पक्के होने चाहिए। सीजी ट्रिक्स कंपनी में जो लड़का काम करता है उसका बायोडेटा चाहिए, पूरी तफसील के साथ। जनाब, सीजी ट्रिक्स का सारा डेटा मिल गया। स्टाफ लिस्ट में चरण की डिटेल ढूंढो। अब ये पता करो कि मर्डर वाले दिन यानी 21 तारीख को क्या वो काम पर गया था। जनाब वो छुट्टी पे था। यस। अब मंत्रालय के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक करो कि क्या ये उस दिन वहां पर था। कोई मैच नहीं मिल रहा है जनाब। शातिर मालूम होता है जनाब, चेहरा छुपाकर कैमरे को चकमा दे गया। इसे मैंने एक बार न्यूज चैनल पर देखा था जनाब। कब? पिछले महीने उसने यहाँ के बेगर्स माफिया को एक्सपोज किया था। इस खबर की वजह से पूरे शहर में तहलका मच गया था। ए, उसे बुलाओ फौरन। खुशामदीद, खुशामदीद, स्वागत। अब कुछ जा, कुछ जा। कुछ टूटा तो नहीं ना? टिके रहना, चल अब तू कूद। अरे आराम से चल, इतनी जल्दी क्या है, रेस नहीं हो रही है। बस रुक जा, रुक जा। सलाम साहब। क्यों भाई, जब तुम चलते हो तो इस तरह बर्तनों की आवाज क्यों आती है? टन टना टन टन, आपको भी सुनाई दिया ना? हाँ। इसकी बॉडी में हार्ट, लीवर और किडनी को छोड़कर बाकी सब कुछ लोहे का है। ऐसा क्यों? इतनी मार खाई कि हड्डियों का चूरमा बन गया है, इसलिए सारे भीख के कटोरे पिघलाकर इसके अंदर ठूस दिए गए। उस दरिंदे कातिल ने लोगों को ऐसे मारा है कि उनकी हड्डियां तक चकनाचूर हो गई। सुनी कटोरे की आवाज? कोई हिस्सा सलामत नहीं बचा। कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसने तुम्हारा ये हाल किया? वही है। सर ये फोटो देखिए ना, इसके सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। घुमा लीजिए सर, घुमा लीजिए। बस बस। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों के मन में बदला लेने का ख्याल नहीं है? इनकी हालत देख के आपको लगता है कि ये बदला ले पाएंगे? ओ सर, ये चलती फिरती लाशें हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। पर इनकी बातों से ये तो पता चल गया कि मिनिस्टर के भाई का खून किसी ने किया है। जगावर जी नमस्कार। जनाब सीबीआई, अभी तक उसे गिरफ्तार किया कि नहीं? खबर मिली है कि जिसने मेरे भाई का कत्ल किया वो मुझे भी मारना चाहता है। तुम सब क्या कर रहे हो? वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता सर। मुझे उस खूंखार कातिल की भनक लग चुकी है। बहुत जल्द वो बेड़ियों में जकड़ा आपके सामने होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ए, जाओ ढूंढो। जी सर। तुम लोग इस तरफ जाओ। ओके सर। हर जगह ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा। उधर देखो, क्या करो? हर का कोना कोना छान मारो, वो कातिल बचना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, ए क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ घूमने आए हो क्या? ये घर है किसी का? वो भी गज्जू भाई के जीजा जी का। हमें उसी की तलाश है। We are from CBI. है? तुम कौन हो? मैं चेरी का मामा हूँ। मेरा नाम है चंपक। क्या चंपक? देख भाई, नाम की स्टोरी पे मत जा, कहानी बहुत लंबी है। खुद तो 1.5 फुट का है और कहानी लंबी है। हर जगह तलाश कर ली, वो घर में नहीं है। गज्जू को ढूंढ रही है? चेरी को? चेरी को कहा है वो? कुंभ के मेले में। कुंभ मेला? Let's go. Take him. अरे ये क्यों ले जा रहे हो? कुंवारा हूँ, बेरोजगार हूँ। सर, हट जाइए। इतने लोगों की भीड़ से आप आगे कैसे ढूंढेंगे? आरोप पीछे। हट जाइए प्लीज। हट जाइए आप इतनी भीड़ में ढूंढते-ढूंढते कम से कम 500 साल लग जाएंगे। बस बंद करो, उसे कॉल करो। हट जाइए। हर नमन नगर मंजुनाथ महादेव हर हर।
विंदे भवं भवानी सहित। हेलो हेलो, अबे स्पीकर ऑन कर। अरे मामा क्या बात है? हाँ भांजे कहाँ है तू? मैं तो कुंभ मेले में हूँ। हम लोग भी बिल्कुल वहीं हैं। कुंभ मेले में कहाँ पर? शंकर जी के मंदिर के पास। रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते। कोई भी चालाकी मत करना, वरना वक्त से पहले मेरे हाथों मारे जाओगे। सरेंडर कर दो और मेरे साथ चलो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है। एक बार जांच हो जाए फिर सब पता चल जाएगा। अरे उसने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहा है, तो हमारा भाई कहाँ है? चल हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भाई आ जाएंगे। हटिए, हट जाइए, हटिए, हटिए, हट जाइए। हॉस्पिटल लेके जाओ। इसने मेरे भाई का कत्ल किया है, इसे मौत के घाट उतार दो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। नहीं सर, इस तरह गोली चलाने से कई लोगों की जान जा सकती है सर। इन्हें ले चलिए, मेरी बात मानिए सर। आई एम रियली सॉरी, तुम दोनों की शक्लें हूबहू होने से तुम्हें गुनाहगार समझ बैठा। आपका बेटा बेकसूर है, आप लोग जा सकते हैं। सर वैसे वो है कौन? तू उसका इतिहास क्यों जानना चाहता है? चल घर पे। एक मिनट मामा। चुप। अच्छा हुआ तेरा हमशक्ल सामने आ गया, नहीं तो बेवजह तू बलि का बकरा बन जाता। लगता है तेरे पिछले जन्म का भाई इस जन्म में तुझसे मिलने आया था। शक्लें एक जैसी है लेकिन सीरत अलग अलग है। जिससे दूर भागना उसके नजदीक क्यों जा रहा है? मामा इसमें तो लिखा है वो बेगुनाह है। अरे भांजे, किताबें बेचने के लिए कोई कुछ भी लिख सकता है। अब ये बेगुनाह है या कसूरवार, इसका फैसला तो अदालत करेगी। ये हूबहू मेरी तरह दिखता है, मुझे इसके बारे में जानना है। चिल्लाओगे, मेरी फैक्ट्री यही थी और यही रहेगी। चिल्लाते चिल्लाते एक दिन खुदा को प्यारे हो जाओगे तुम सब। सरकार ने तुम्हें दवाइयाँ बनाने की इजाजत दी है, चरस हीरोइन और ब्राउन शुगर बनाने के वास्ते नहीं।
तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से गांव के लोग मर रहे हैं और तुम उनकी लाशों पर अपना महल खड़ा करना चाहते हो। इनकी बद्दुआ लग गई तो खाक हो जाओगे। हमारी तकलीफें समझो और फैक्ट्री बंद कर दो। ड्रग्स ही तो बना रहे हैं, इजाजत है गवर्नमेंट की। अगर गंदगी फैला रही है तो तुम्हारी गैर कानूनी बस्ती, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं जाएगा, जाएगी तो फैक्ट्री। फैक्ट्री तेरे बाप का माल है जो तेरे कहने से हटा दूं? अबे 100 करोड़ की फैक्ट्री है मेरी। इंसान की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ए कालिया, हुक्म करो भाई। देख कैसे फड़फड़ा रहा है, मसीहा बन गया है। अगर ये बच गया तो हमारा जीना हराम। इस चिंगारी को बुझाना ही पड़ेगा। घुसाते ऊपर सुकून मिलेगा बुढ़ाओ। तुम लोगों में से और कोई सुकून पाना चाहता है? मुझसे दुश्मनी मतलब मौत को न्योता। मेरे खिलाफ उठने वाली हर आवाज दफन हो जाएगी। चेतन ने कहा है, ठीक से देखो ना। हाँ बाबा, शांत रहोगी, मुझे भी देखने दो। हाँ देखो वो रहा। अरे दीदी, चैतन्य कैसे है तू? मैं ठीक हूँ। और चैतन्य एकदम हीरो लग रहा है। एग्जाम अच्छे हुए ना? हाँ बहुत अच्छे हुए। ए जी, कितने सवाल करते हो? अरे क्यों ना करूँ, अपने इकलौते प्यारे साले से बात करने के लिए ही तो आज छुट्टी ली है मैंने। घर में तो मौका मिलेगा नहीं। अपनी बातों से इसे बोर करना है क्या? मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, इसे घुमाएंगे फिराएंगे, और अगर इसके बाद टाइम बच गया ना तो तुम दोनों आराम से बैठ के गप्पे लड़ा लेना। पहले ही बहुत घूम चुका हूँ दीदी, इस बार 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ, जीजू के साथ फुर्सत से गप्पे लड़ाऊंगा। तू चुप कर, तू मेरे घर आया तो मेरी सुननी पड़ेगी। देख रहा है, अब तू आ गया ना इसलिए इतनी दादागिरी कर रही है। पत्नी पति पे ही दादागिरी करेगी ना। चल अब घर चलते हैं। हाँ कूली बुला लेते हैं। ये उठाएंगे ना। ज्यादा चुप रहोगे तो लोग तुम्हें बुद्धू समझेंगे। दीदी बहुत भूख लगी है। तेरे मनपसंद छोले भटूरे बनाए हैं, फ्रेश होके आ जा। ओके। हाय चैतन्य, तुम वापस कब आए? क्या हुआ, घूर के क्या देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो तो कह दो ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। देखो, या कपड़े पहन लो या दरवाजा बंद कर लो, ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये बात है तो बचा खुचा होश भी उड़ा देती हूँ। होश वापस आ रहा है। सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि अब चैतन्य शादी के लायक हो गया है? फटाफट उसके लिए एक लड़की देख के ना उसकी शादी कर देंगे। है ना एक लड़की? अरे वही मेरी कजन सुनैना। हाँ, तुम्हारी बहन सुपर फास्ट, मेरा भाई कछुआ छाप, जोड़ी कैसे जमेगी? मुंह बंद करके कोने में पड़ा है। कुछ कहा? मतलब मेरी तरह खुश रहेगा। सुन, तेरे जीजू ने तेरे लिए खास तेरी पसंद की बिरयानी मंगवाई है, तो इनका लाडला जो है। थैंक्स जीजू। हाय। अरे ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है, मेरी कजन है। ओह, पिछली बार आपकी शादी में देखा था इसे। जता तो ऐसे रहा है जैसे पहली बार देख रहा है। अभी हाल ही में MBA किया है, नौकरी ढूंढ रही है। ओ, अच्छा। हाँ हाँ, नौटंकी तो अच्छी करता है। बैठो ना। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे बैठो ना प्लीज। बचपन में तो बहुत नटखट थी, अब भी वैसी है या फिर? अब ऐसी नहीं है, अब ये हर काम में मेरा हाथ बटाती है, भटूरों का आटा इसी ने तक गूंदा है। बहुत पहुंची हुई चीज है। आज जाने माने समाज सेवक रियाज भाई की हत्या कर दी गई। फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं के खिलाफ वो कई दिनों से अपनी आवाज उठा रहे थे। लोगों को शक है कि इस हत्या के पीछे भीमा सेठ, जगावर और कालिया का हाथ है, पर कोई भी पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से वो आज भी कानून की गिरफ्त से काफी दूर हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। पब्लिक और पुलिस दोनों जानते हैं ये खून किसने किया है, पर कोई बोलता नहीं। पर उसके डर से कोई मुंह नहीं खोलता। अब आप ही हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए। ये जगावर कौन है और सब लोग इससे इतना डरते क्यों? इस शहर का गुंडा है, बच्चे बूढ़े औरत सब में इसका खौफ है। जो कोई भी इसके खिलाफ मुंह खोलता है ना, फिर वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस, कोर्ट, जज सब इसके गुलाम है, किसी से नहीं डरता। वैसी दरिंदे हैं वो, मासूम गरीब लोगों पर जुल्म करते हैं ये। कानून तो इनके लिए बस नुमाइश की चीज है। छोड़िए ना, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इन सब बातों से हमें क्या लेना देना, ये कोई हमारे अपने थोड़ी ना है। हम तो खुश है ना अपनी जिंदगी से, कोई दूसरा मरता है तो मरने दो। जीजू, ना ये हमारा राज्य है ना शहर, हमें क्या? मदर टेरेसा भी हिंदुस्तान की नहीं थी।
ऐसे ही हजारों लोग हैं जिन्होंने दूसरे लोगों की खुशियों के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, और हम लोग इतने खुदगर्ज हैं जिन्हें सिर्फ अपनों की खुशियों की पड़ी है। किसी न किसी को तो आज नहीं तो कल उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। अरे कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा के जाइए। अरे भैया, केस की फाइल इसी वक्त बंद कर दो। सर, गवाह तो जगावर का नाम ले रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा भी ले सकते हैं और मेरा भी। एफआईआर में नाम बदल दो। सलाम जगावर बिरादर, क्या हालचाल? आओ पार्टनर लाओ। बस आपका हाथ सर पे रखो और कदमों में जगह दे दो भाई। प्रणाम। अरे तुम मेरे पार्टनर हो, वहाँ नहीं मेरे करीब नहीं भाई, आपके कदमों में बैठते ही मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। तलवे चाटने का शौक है। सुना है आपको हाईकमांड से फोन आया भाई, आज से सेंटर आप संभालिए, स्टेट मैं संभालता हूँ। कुर्सी का लालच नहीं छोड़ेगा। सही कहा जनाब, ये जो कुर्सी का लालच होता है ना, अच्छे अच्छों को कब्रिस्तान पहुँचा देता है। क्यों साले साहब, जबान तो कैंची की तरह चल रही है तुम्हारी, लगाम दिया करो अपनी जबान को। बुरा मत मानना बिरादर। शराब के टेंडर का क्या हुआ? उस नामुराद ने ठेका नहीं दिया, कहता है पहुआ पीकर पिछले साल वैसे ही काफी लोग मर चुके हैं, एक भी दुकान खुली तो सरकार गिरी समझो। हाँ भाई, परेशान करके रख दिया उसने। उसे लोगों की ज्यादा परवाह होने लगी है। बिल्कुल सही कहा, हमेशा बीच में टांग अड़ाता है। वो तो आपने मना किया था वह नाम उसे काट डालते। तुमने उसे इसीलिए मिनिस्टर बनाया था ना कि वो हमारे काम आएगा, तो आखिर अब तक उसने मेरा प्रमोशन क्यों नहीं होने दिया? हाजिर कर उसे। सलाम जगावर भाई, आपका फोन आया तो मैं सारा मैटर समझ गया। लगता है आपके चमचों ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। बोलिए। क्या रे मंत्री, कुर्सी मिलते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया? चाहूँ तो तुझे खाक में मिला सकता हूँ। ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे कारनामे किसी से छुपे नहीं है, तुम अपनी फिक्र करो। अब देखो, तुमने और तुम्हारे भाई कालिया ने हजारों लोगों के सामने उस बुजुर्ग को मार दिया, अब उस मामले को सुलटाने में मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, और तुम्हारे ये चमचे लोग जहाँ कोई खाली जगह दिखी बस अपने नाम का बोर्ड वहाँ लगा दिया। इसने यमुना नगर में, इसने शीतल नगर में बोर्ड लगा दिया, जनता क्या चुप रहेगी? क्या गुनाह किया? खाली जमीन पर कब्र बनाएंगे? नहीं ना, जमीन बंजर तो पड़ी थी, अगर दो चार एकड़ हड़प ली तो क्या गलत किया? मुंह बंद रख अपना, ऐसी बात असेंबली में बोलेगा ना अपोजिशन वाले जूते मारेंगे। तुम किस लिए हो? आवाम के बारे में सोचने के लिए तुम्हें कुर्सी पर नहीं बिठाया, हमारे आदमियों के बारे में सोचो। लेकिन जगावर भाई, जब तक मैं दिल्ली से लौटूं, इसे प्रमोशन मिल जाना चाहिए और इसे शराब का टेंडर, समझा? चैतन्य चलो ना, चल के मूवी देखते हैं। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे बाबा, मैंने टिकट्स ले ली हैं। चलो ना, शो का वक्त हो रहा है। जबरदस्ती है। हाँ बिल्कुल जबरदस्ती है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मैं क्यों चलूं? एक तो तुमने मुझे बिना पूछे नहाते हुए देख लिया, हर्जाना भरो, चलो। जिंदाबाद जिंदाबाद, गब्बर सिंह जिंदाबाद। अब तो गब्बर सर का हाथ भी सर पे है, जाके भाभी को लेटर दे दो। शेर की तरह दहाड़ो, चूहे की तरह कांपो मत। जब भी आई लव यू कहने जाता हूँ धड़कन बढ़ जाती है। वो क्या है ना, सुना है ना, हमेशा मुझे पानी पूरी खाने, रसगुल्ले खाने, काला खट्टा खाने के लिए बुलाती थी, लेकिन आज उसने मुझसे सिनेमा की दो टिकटें मंगवाई है, और वो भी खोपचे की सीट की, कुछ समझा? फड़फड़ाते हुए जाओ और चाहते ही कोने की सीट लपक लो, और अंधेरा होते ही भाभी का हाथ पकड़ लो। सिंपल, इसका बकरा बनाता हूँ। लप्पू भाई, लगता है भाभी आज आपको खोपचे में लेकर प्यार का इजहार करने वाली है। ऐसा क्या, आप तो रॉकस्टार हो भाई। आप तो टाइगर हो भाई। आप तो जाबाजों के जाबाज हो। लूट ले भाई, आपका दिल दरिया है तो क्या सारा सोना आज ही लुटा दोगे? तेरी भाभी पूरी की पूरी सोने की खान है, चार चिल्लर उड़ाने से मैं कंगाल थोड़ी ना हो जाऊंगा। आइला भाभी आ गई। आइला, हाय। हाय भाई, भाभी एकदम रामचिक लग रही है। अबे उसे छोड़, ये चिपकू कौन है? ये तो लप्पू भाई के लव एंगल को ट्रायंगल बना रहा है, कबाब में हड्डी। मेरा सोना वापस दे। क्यों, देता है कि नहीं? अरे भाई, उस लंगूर से डर गए, कहाँ वो झिंगुर और कहाँ पंगूर। थैंक यू भाई। हाय लप्पू। हाय सुनेना, ये कौन है? मेरे कजन का साला है। अच्छा साला, गड़बड़ घोटाला। आप उन लप्पू चलाता है चप्पू। ओए मोटे, साले साहब को लेके जा, पानी पूरी, दही पूरी, मसाला पूरी और सूखा पूरी सब खिला के ला। मैं और सुने ना, खोपचे की सीट पे गुटर गु। सपने मत देख। लेकिन क्यों? ये टिकट्स चैतन्य के लिए खरीदे हैं, नहीं ले जाऊंगी तो इसे बुरा लगेगा। ये मेरे बचपन का दोस्त है, आज इतने दिनों बाद आया तो कबाब में हड्डी क्यों साथ ले जाऊं? चलो चैतन्य। इस झिंगुर के साथ खोपचे की सीट पर क्या करेगी? यही तो बड़ा झोला है, आपकी मैना को दो तले उड़ा है। मतलब चोंचे लड़ेंगी। ऐसा क्या, आपकी लव स्टोरी में विलन घुसाया है? देखना मैं उस विलन का बैंड बजा दूंगा। चलो।
ए बार क्या सुन, जरा झुक कर देख क्यों लंगूर क्या कर रहा है। भाभी तो एकदम चिपक गई है भाई। पर वो तो तेरी भाभी से नहीं चिपक रहा है ना। भाभी चिपके या वो लंगूर बात तो एक ही है ना। अगर पब्लिक से भरे हॉल में ये हाल है तो बंद कमरे में क्या क्या गुल खेलते होंगे। ये सब क्या हो रहा है, इसकी मुंडी मरोड़ दूं क्या। लोगों को सिनेमा देखने में डिस्टर्ब होगा, इसे हम इंटरवल में हलाल करेंगे। ए सुनो, इसने तुम्हारी भाभी को टच करने का गुनाह किया है, इसलिए भाभी के लिए सैनिटाइजर और बंदे के लिए चक्कू लेकर आया हूँ। जैसे ये चक्कू मैं उसकी अड़ियों में घुसेड़ूंगा, तुम लोग मेरा फोटो खींच लेना। वो किस लिए भाई? अरे इंस्टा के लिए रे। पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का एक पैकेट। वो छछुंदर का है, वो सामने खड़ा है, कोने की सीट का मजा ले रहा है और भाभी के पैसों से फोकट में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खा रहा है। चक्कू घुसेड़ कर सारा पॉपकॉर्न निकाल दूंगा। हाँ। जोकिंग रे बांगड़ू। अंदर कुछ बात करते हो, बाहर कुछ बात करते हो, कोई कैरेक्टर तुम्हारा? चुप हो जा, तो तुझे ही खोप दूंगा। मौका मिलेगा तब चौका मारूंगा। माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं था। तेरी माफी से दाग निकल जाएगा। एक काम कर, एक झप पी दे, शायद निकल जाए। जी? ए, दिल को भिगो कर कहाँ जा रहे हैं? अरे प्यार में डुबकी तो लगा दे। अरे क्या कर रहे हो यार, गलती से हो गया होगा, जाने दो ना। मुझे टच करता है, चुलबुल भाई को टच करता है, आंखें फाड़ के क्या देखता बे? मारेगा मुझे, मारेगा। क्या? मैं तो बॉडी लेने आया हूँ। लेके निकल। ठीक है, चलो। हाथ से खून क्यों आ रहा है? टमाटर की चटनी है। टमाटर की चटनी? समोसे वाले के पास पेपर प्लेट नहीं था तो हाथ में ही डाल दिया। हाथ धो लेना। अलविदा। अलविदा। जिस पे था फिदा, हो गई जुदा, निकल लो। लपू भाई, ऐसे नीट खींचते रहे तो लीवर खराब हो जाएगा। होता है तो होने दे, वैसे भी सुनैना जिंदगी में नहीं है तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। पता है इस देश को नेता या सरकारी कर्मचारी उतना नहीं लूटते हैं जितना ये लड़कियां लूटती हैं। ये लड़कियां ही हमारी कंगाली की असली जड़ है। क्या पहले बुझा रहे हो? और नहीं तो क्या, सबसे पहले तो ये अपना शिकार ढूंढती हैं, फिर उसके इर्द गिर्द मंडराती हैं, फिर अपने जाल में फंसाती हैं, भोली सूरत के साथ नैन मटका के हम जैसे मासूम आशिकों के अरमानों को जगाती हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, और आखिर में मच्छर की तरह मसल देती हैं, बीएमडब्ल्यू दिखाकर बैलगाड़ी में बिठाती है। भाई की लव स्टोरी सुनकर अपन को अपनी धन्नो याद आ गई। 5 साल, पूरे 5 साल उसके पीछे मैंने बर्बाद किए। अगर माँ के कहने पे शादी कर लेता तो आज मेरा 5 फुट का बेटा होता। जैसे केले खाकर छिलके फेंकते हैं और जैसे नाक पोंछने के बाद टिश्यू पेपर को फेंक देते हैं, वैसे इस नादान मासूम लप्पू झिंगे परिंदे को सुनैना ने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। भाई हिम्मते मर्दा, मदद खुदा, डरते क्यों? अगर मेरी सुनैना ने उसी लंगूर को अपना दूल्हा चुन लिया तो फिर जानता है उसकी शादी में रेवड़ियां भी हमें ही बांटनी पड़ेगी। अभी तो इस लप्पू की मैना किसी और ही डाल पर कूक रही है। एक मिनट सिस्टर। इसका ब्लड सैंपल लिया? मेरी बेटी कैसी है? आप इसके सगे माँ बाप ही है ना जी, तो आखिर आप लोग अपनी बेटी को स्टेरॉइड्स कैसे दे सकते हैं? अगर वो मर गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग ही होंगे। हमने नहीं दिया है साहब, इस गुनाह के पीछे भीमा सेठ और कालिया का हाथ है। 2 वक्त की रोटी के लिए हमने बेटी को सिलाई के काम से बेचा था और उन वैश्य दरिंदों ने हमारी बेटी को जिस्म फरोशी की दलदल में धकेल दिया। हम गरीब और लाचार लोग हैं साहब। वो वैश्य दरिंदा है डॉक्टर साहब, उसी ने ये सब किया है। वो लड़कियों को उठा के ले जाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। तो अब तक उसकी कंप्लेन आप लोगों ने पुलिस में क्यों नहीं की? पुलिस कानून कोई नहीं सुनता साहब। अब वो सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा। व्हाट? जी, लड़की ने खुद अपनी गवाही में कालिया का नाम लिया है। ये रहे उसके कागजात और रिपोर्ट्स, आप देख लीजिए। पहला ऐसा दिलेर देखा जिसमें इतनी हिम्मत है, उसे अरेस्ट करने के लिए इतने सबूत काफी है। हाँ चैतन्य। क्या जीजू,
आज तो आपकी एनिवर्सरी है, आप घर आने वाले थे ना, क्या हुआ? मैं पुरानी गिनी मिल्स जा रहा हूँ। गिनी मिल्स? वहाँ किस काम से जा रहे हैं? दरअसल एक जरूरी मामला है इसलिए। एक काम करो, तुम दोनों खाना खा लो, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है जीजू, जल्दी आइए। यहाँ क्यों आया है? कालिया कहाँ है? अबे पुलिस वाले यहाँ अलाउड नहीं है। अरे इंस्पेक्टर, फिर से वर्दी का कीड़ा कुलबुलाने लगा क्या तेरे अंदर? आज पहली बार तेरे खिलाफ कोई गवाही देने आया है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मैं आप ही का आदमी हूँ। आप इसका फैसला कीजिए। सुन बे डॉक्टर, मरीजों के इलाज के बारे में सोच। इस देश के लिए अफसोस क्यों कर रहा है तू? इस शहर का बच्चा बच्चा मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करता, क्यों मौत से खेल रहा है? इसका जमीर सस्ता हो सकता है, पर मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है। अब ये सबूत मीडिया के पास जाएंगे और कानून तेरा फैसला करेगा। हाँ जीजू। मैं कालिया नाग हूँ कालिया, मैंने जिस किसी को डसा उसने आज तक कभी पानी नहीं मांगा। मार दे, पर तू बचेगा नहीं, बहुत जल्द तू कुत्ते की मौत मरेगा। हेलो जीजू, जीजू। इस पूरे शहर पर सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है। जीजू, तू डॉक्टर का साला है ना? हाँ। उसके पास कालिया भाई के खिलाफ सबूत थे तो भाई ने उसे टपका दिया। लाश उधर कहीं पड़ी होगी, चाहिए तो ले जा। जीजू, 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 लाश उठा और कल्टी मार। अगर तूने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो तुझे भी लुटका देंगे और तेरी बहन को भी उठा लेंगे। सुना है इसकी भी एक बहन है, अच्छी है क्या? तुम कालिया कौन है? मैंने पूछा कालिया कौन है? कौन है कालिया? मैं हूँ कालिया। क्यों बे, मारना चाहता है मुझे? अगर मैंने तुझे तेरे ही इस शहर के बीच चौराहे नहीं मारा ना, तो मैं खुद को चैतन्य चैतन्य नायक नहीं कहलाऊंगा। इतने लोग तेरे आगे गिड़गिड़ाए होंगे, क्या तूने उन्हें माफ कर दिया? हाँ?
मार डालो इसे। मार डालो। ए, मेरे जीजा जी का क्या कसूर था? तेरे खिलाफ शिकायत की यही ना? हाँ? किसी न किसी को तो आज नहीं तो कल उन्हें सबक सिखाना ही होगा। जिसने मेरे कालिया को मारा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। कहाँ रहता है वो? यहीं रहूंगा मैं। जीजू ने ठीक कहा था, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बस बहुत हुआ, मैं इस शहर से जगावर का नामो निशान मिटा दूंगा। तुमने उनका ठेका ले रखा है, उन्होंने तुम्हारे जीजू को मार दिया। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। हम उनसे डर के भाग नहीं सकते, डरना तो उन लोगों को चाहिए और वो लोग डरेंगे भी। तुम हमारे साथ चलोगे? तुम्हें मेरी कसम। दीदी आप मेरी बात सुन। अगर तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह है तो तुम मेरे साथ चलोगे, वरना मुझे भी खो दोगे। लेकिन दीदी। चलो। बेटे हमने सुना है तुमने भैरव को मार दिया, इसलिए मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। उस कमीने ने मेरे चारों बेटों को मार डाला। तुम्हें जिस माँ ने भी जन्म दिया हो, पर मैं तो तुझे अपना बेटा ही मानूंगी मेरे लाल। तुम कलकत्ता में ही रहकर हमें इंसाफ दिलाओगे ना? चेतन हमें देर हो रही है, चलो यहाँ से। इतने दिनों के बाद हमारे बीच भगवान ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर भेजा है, हमें छोड़ के मत जाओ। ये कोई फरिश्ता नहीं है। भाई, चलो। आप कहीं मत जाइए, आप हमारी हिम्मत हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो भले मौत क्यों ना आ जाए, उससे भी टकरा जाएंगे। क्या लगा कमीने, कालिया को मारने के बाद तू इतनी आसानी से बच जाएगा? ए, तू जानता है तू अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं अपने हाथों से तुझे ऊपर वाले के घर भेजना चाहता हूँ। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि फरिश्ते भी कांप उठेंगे। आज मैं तुम सब लोगों को इसकी मौत का तमाशा दिखाऊंगा। तुम्हारे इस लीडर की मौत तुम कभी नहीं भूल पाओगे। मेरी जान की परवाह मत करना भाई, किसी को मत छोड़ना, खत्म कर दो। कमाल है, तुम्हारे लिए लोग कुर्बानी दे रहे हैं, इसका मतलब तुम गांव वालों के मसीहा हो। ज़बान क्यों नहीं चल रही, क्या तू मसीहा है? हाँ ये मसीहा है, गरीब और लाचारों का। सुन चैतन्य, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मैं गलत थी जो तुझे रोक रही थी। अगर आज तू यहाँ से चला गया तो इंसानियत से सबका यकीन उठ जाएगा। इन सब की दुआएं तेरे साथ है चैतन्य, इसका नामो निशान मिटा दे। ए, ज़बान खींच लो इस औरत की। Ah!
चाहूं तो इसी पल तेरा किस्सा खत्म कर सकता हूं, पर तुझे अपनी आंखों से अपने साम्राज्य को बर्बाद होता देखना, तेरी पाप की लंका को राख होता देखना, तेरा तो वो हाल करूंगा जगावर कि आज के बाद इस शहर में कोई गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। आज के बाद अपनी मर्जी से तू सांस तक नहीं ले पाएगा, जिएगा भी तो मेरी मर्जी से। नायक चैतन्य नायक। हिम्मत कैसे हुई? सारे गांव वालों के सामने उसने मुझे बेइज्जत किया, मुझ पर हाथ उठाया। उन्हीं गांव वालों के सामने उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। भाई वो अपने आदमियों के साथ फैक्ट्री की तरफ रवाना हुआ है। कर पढ़ाई करना, कुछ चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। ठीक है भैया। इंस्टेंट कॉफी के जैसा ये इंस्टेंट हीरो बन गया। भैया अगर वो जिंदा रहा तो हमें बर्बाद कर देगा, कुछ कीजिए ना। उसे मारने के सपने छोड़ दो भाई, वो कोई आम इंसान नहीं है, एक ऐसा ज्वालामुखी है जो आप सबको राख बना सकता है। हर किसी की जिंदगी का वो नायक है, शहर का बच्चा बचाओ से भगवान की तरह पूछता है, यहाँ तक कि IAS, IPS, MLA सभी उसकी जंग में उसका साथ दे रहे हैं। अगर उसका बाल भी बाका हुआ तो जलजला आ जाएगा। आज पूरे कोलकाता में बस नायक के ही चर्चे हैं। नायक ने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बचाई है। मैंने विदेशों में बेचा जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों को भी वापस ले आए जिन्हें विदेश में बेच दिया गया था। मुझे लगा मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। उस फरिश्ते का एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है, उसके इस जंग में हम उसका साथ देंगे। वो बहुत बड़ा मसीहा है। पहली बार न्याय के लिए किसी ने हथियार उठाया है सर। मैं उस फरिश्ते से मिलना चाहती हूँ माँ। अब ये खतरे से बाहर है। इससे तो अच्छा होता वो हम दोनों को मार डालता। दिमाग खराब कर दिया है उसने। गोली मार दो मुझे। इतनी बेकदरी आज तक नहीं हुई, ऐसे नहीं जी सकता मैं। अब या तो वो जाएगा या हम जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, जाएगा तो वो। ये शहर ही नहीं बल्कि इस दुनिया को छोड़कर। शहर के मासूम लोगों को जगावर का डर दिखाकर लूटने वाले चोर उचक्के गुंडों को यहाँ हाजिर करो। शहर के हर मुजरिम को बुला लो, उनसे कहना नायक ने बुलाया है। सलाम भाई। ए, शहर के सारे छटे हुए बदमाश यहाँ मातम मनाने क्यों आए हैं? आप भी तो कचरा हो, बवंडर के सामने दुम हिलाते रहते हो। चैतन्य से मिलने क्यों आए? बवंडर जान गया तो? ए, लहर के साथ चल, आज नायक की लहर है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। समझा? फॉलो मी। बाहर क्यों खड़े हो, लड्डू बटने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा है बाहर खड़े रहो, जब बुलाएंगे तब अंदर जाना है। ओहो, एक एक को लड्डू खिलाएगा ताकि दूसरे को ये पता न चले कि उसके मुंह में कितना बड़ा लड्डू घुसेड़ा। सेटिंग तो ठीक है भाई, बस हमें धुलाई से डर लग रहा है। छोटे, तेरे बाद भाई का भी नंबर आने वाला है। चुप रहोगे? जैसे मास्क लगाकर सेफ हो जाते हैं वैसे मुस्कुराकर डर को भगाओ। ठीक है भाई। सलाम नायक भाई, हुजूर ने याद किया तो हम हाजिर हो गए। तू तो टाइम का पाबंद है, कुछ पीना चाहेगा? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। सेल्फी? यस, सेल्फी लेकर अपने इंस्टा पे डालूंगा। आपकी तरह मशहूर होना है मुझे। मैंने आज तक 100 मर्डर और 50 रेप किए हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं छोड़ा, कई औरतों को बेवा बनाया है, पर अफसोस कोई नहीं जानता मुझे। पर आपने सिर्फ एक मर्डर,
सिर्फ एक मर्डर किया और शहर में वर्ल्ड फेमस हो गए। सिर्फ एक सेल्फी दे दो और शाम तक देखो 1 मिलियन फॉलोअर्स बनाकर करोड़ों कमा कर दिखा दूंगा। दोनों बांट लेंगे, सेल्फी दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। करोड़ों कमा लोगे? ऐसा कैसे होगा? और 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे होंगे? ऐसे नहीं होंगे, उन लोगों की कोई कमी नहीं। वैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी कितने की? 800 करोड़ की। यानी गुंडों की इतनी कमाई हो जाती है? छे छे, ये तो बस रोकड़ा है, प्रॉपर्टी अलग, बस हाथ मिला लो, मैं तुम्हें देखते ही देखते करोड़ नहीं अरबपति बना दूंगा। दौलत शोहरत सब तुम्हारे कदमों में होगी, पूरे शहर में बस तुम्हारी हुकूमत होगी, पुलिस कोर्ट कचहरी कोई भी लीगल काम के लिए 50-50 और इलीगल के लिए 60-40। डील? ऐसी डील कौन छोड़ सकता है? ऑफर में दम तो है, अंदर जाके पेपर साइन कर लो। अनपढ़ से लिखा पढ़ी करवा रहे हो? सलाम है नायक भाई, बताओ साइन करने कहाँ जाना है? रॉन्ग काम के लिए राइट में जाना है, चलो। मैम नायक भाई का पार्टनर। ये क्या? पुलिस, लॉयर, जज, रजिस्ट्रार, अरे अरे अरे, सारे सरकारी लोगों को नायक भाई ने पाल कर रखा है, लंबी रेस का घोड़ा है। सही कहा जनाब, भाई का भी नंबर आने वाला है। थम्स अप। जनाब साइन कहाँ करना है? पहले ये बताइए, ये प्रॉपर्टी आपकी है? हाँ हाँ मेरी है, ये भी, ये भी, ये भी, अरे ये भी, मैं इन्हें रोज देखता हूँ, वक्त बर्बाद मत करो, साइन कहाँ करना है बताओ। यहाँ साइन कर लीजिए। फौरन करता हूँ, पेन दो। भाई लगता है आपका नंबर आ गया, अब तो शहर पर हमारा राज होगा। चॉकलेट से मुंह मीठा कीजिए। लाओ लाओ। नहीं तो चॉकलेट ही सही, मुंह तो मीठा करना है ना। मानना ही पड़ेगा, आप वाकई महान है सर। ऐसा क्या किया? आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी यतीम खाने के नाम कर दी। चूना लगा दिया, मैंने प्रॉपर्टी कब दी? हार्ट अटैक मत दो। अजी कैसी बात कर रहे हैं जनाब, अभी अभी तो आपने साइन किया है, अब से आपकी सारी प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं होगा। नायक ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया, हाथ में पेन थमाकर मेरा सब कुछ लिखवा लिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझसे छीन कर हाथ में कटोरा थमा दिया। ए! मेरा नाम है बिरजू, धोखेबाजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे आदमी वहाँ बाहर खड़े हैं, एक सीटी मारूंगा तो सब अंदर आ जाएंगे। ग्रैंड लग गया क्या मंगल, गुस्सा क्यों है? और क्या करूं, तुमने मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी ले ली और मुझे 50 पैसे का चॉकलेट थमा दिया। गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या आरती उतारूंगा तुम्हारी? नायक ने पकड़ा दिया कटोरा, इससे आगे तो मुझे भी नहीं आता। शायद यहाँ जो हो रहा है वो तो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, चल दूसरे कमरे में समझाता हूं। मुझे कंगाल तो कर ही दिया, अब क्या कपड़े उतारोगे? ये मंगल तो मांगलिक निकला, इलाज करना पड़ेगा। चलो इस कमरे में भी आ गया, बोलो अब क्या कर। अरे तुम सब तो पहलवान हो, वो सबको धोखा दे रहा है और तुम सब यहाँ चुपचाप खड़े हो। उसने मुझे भी धोखा दिया, देखना वो तुम्हें भी धोखा देगा, मेरे साथ हो जाओ, मिलकर उसे हराते हैं। आज एक नहीं हुए तो हम कभी नहीं होंगे। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? भाई मेरी बाई आंख जोर जोर से फड़कने लगी है, लगता है आपका नंबर आ गया। जल्दी से सीटी बजा। सीटी उन्हें सुनाई नहीं देगी। पर क्यों? क्योंकि हमारे पास डीजे है। अरे इतनी जायदाद अगर कोई लूटने बैठे तो सालों लग जाएंगे, और इसने साइन करा के बेवकूफ बना दिया। जो पहले से बेवकूफ हो उसे क्या बनाना। इसने कपड़े नहीं उतारे, चमड़ी उधेड़ दी, धोबी की तरह धोया है, तबेले के भैंस की तरह हमारी धुलाई की है। लो भाई मीठा खाओ। नामुराद हटा इसे, जब भी चॉकलेट देखूंगा मुझे प्रॉपर्टी याद आएगी। मम्मी गुफ्तगू हो गई भाई। गुफ्तगू भी और गुटरगू भी। अंदर कहीं हड्डी तोड़ने का प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है? वो क्यों हड्डी तोड़ेगा, हमने गुनाह किया है क्या? अच्छा हुआ ले दे के आपने मामला सुलटा लिया। उसने मामला सुलटा दिया और हमने उसके कहने पर साइन कर दिए, और पता है साइन करने पर हमें चॉकलेट भी मिला, वो भी टेस्टी। अगर बुरा ना माने तो आपका चॉकलेट मैं खा सकता हूँ? चॉकलेट तो तुम जरूर खा सकते हो, पर पहले साइन करनी होगी। मैं तो पेन घर पे भूल गया। फिकर नॉट, सिर्फ पेन नहीं पेपर चॉकलेट सब मिलेगा, अंदर जाओ। सलाम नायक भाई। आओ राजू भाई। चीटिंग फॉर्जरी नकली पासपोर्ट हो या फिर कोर्ट का स्टैम्प बनवाना हो, ये डुप्लीकेट के धंधे में बहुत माल छापा है तूने। नायक भाई ये इतने माहिर है कि आपके भी नकली साइन कर सकते हैं। चुप कर, भाई का साइन मार के मरना क्या, आपकी सेवा में गुलाम हाजिर है जनाब। इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। भाई सुना है आप चॉकलेट दे रहे हैं, चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है भाई। चॉकलेट अंदर रखा है, जाओ और ले लो। हाँ ठीक है भाई, वैसे 2-4 चॉकलेट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ ना? जितने चाहो लो, पर चॉकलेट खाने के बाद उसे हजम भी करना होगा। अब तक तो मोटे को चॉकलेट मिल गया होगा ना?
आप महान हैं। आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी यतीम खाने के नाम कर दी। अबे ये क्या बकवास कर रहा है? यहाँ मैं मामला सुलटाने आया हूँ, खुद को लुटाने के लिए नहीं। भाई डीजे फिर से शुरू हो गया। लगता है स्पीकर की साउंड पर वो भी ताता थैया कर रहा है। हम तो अपने पैरों पर चलकर यहाँ तक आ गए, पर लगता है ये टावर तो वहाँ बीच में ही ढह जाएगा। कमीनो, तुम दोनों को कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। हाय रे, कुत्ते की तरह धोया है। हाँ तो बाहर जितने खड़े हैं उन्हें तुम दफा कर दो। बिल्कुल नहीं, उनके भी हड्डी टूटनी चाहिए। मैंने भी यही सोचा था जब तुम बाहर थे। प्रसाद सभी में बराबर बंटना चाहिए। अब मेरी बारी। अंदर जाके डील पूरी करने के बजाय तुम लोग बैठ के चॉकलेट चबा रहे हो। डील पूरी हो चुकी है तभी तो चॉकलेट चबा रहे हैं। अब तुम भी वक्त बर्बाद मत करो, अंदर जाओ, पेपर साइन करो, चॉकलेट लो और बाहर आओ। मुहूर्त बहुत अच्छा है। अरे बकासुर, इतनी धुलाई के बाद भी ये लोग अपने पैरों पर चलकर आ रहे हैं। इनको लात खाता देख तसल्ली मिली मुझे। ज्यादा खुश मत हो वरना और मोटा हो जाएगा। अरे हाय, चॉकलेट के बारे में तो बताया लेकिन लात घूसों के बारे में कौन बताएगा? बता देता तो तू अंदर जाता। मार डाला रे। आजा मेरे राजा। क्या हुआ, लोले क्यों पड़े हो? देख के लग रहा है सांप सूंघ गया है। किसी ने पुंगी तो नहीं बजाई? वो पुंगी क्या बजाएंगे, वो तो सबको चॉकलेट खिला रहे हैं। हमने तो खा ली, अब तुम्हारी बारी है। अंदर जाओ, पेपर साइन करो और चॉकलेट खाओ, फिर यहाँ बैठकर हजम करो। ना बाबा ना, यहाँ जरूर कोई झोल है, मैं तो निकलता हूँ। रोको, कोई बचने ना पाए। चलो चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो। पकड़ लिया ना, ले जाके इन सब की तबीयत से धुलाई करना। खुशी मिली ना? अपनी तरक्की से भी दूसरों की बर्बादी में ज्यादा खुशी मिलती है। आई लव यू राजा। ए, सबने चॉकलेट खा लिया या भी कोई बाकी? अगर है कोई है तो उसे भी बुला लो, बच के जाना नहीं चाहिए। ए, भाई जी सबको बुला रहे हैं। कैसे आएंगे, साइन करके हाथ टूट चुका है, मार खाकर टांग टूट चुकी है। अब क्या उठकर कब्रिस्तान जाएं? हमें घर जाने दो। अंदर जा रहा है कि भाई जी को बुलाऊं? उसे मत बुलाना, हम एक दूसरे के सहारे पर पहुँचते हैं। अरे रे, हमारे पास जो कुछ भी था वो सब तो ले लिया, अब हमें जाने दो। सुन लो, तुम लोग इस शहर में जो भी काला धंधा स्कैम स्कीम चला रहे थे उसे आज के बाद बंद करना होगा। गांव का टिकट निकालो और कट लो। हमें 15 दिन की मोहलत दो, हम 2 महीने में चले जाएंगे। मैं किसी को मोहलत नहीं देता, मैं सीधे मौत देता हूँ। उसे रास्ते से हटाने के लिए हमारे पास हथियार तो है, पर हमारे लोगों में हिम्मत ही नहीं जो उन्हें चलाए, इसीलिए मैंने इन लोगों को बुलाया। ध्यान से सुनो, वो कोई मामूली आदमी या कोई गुंडा नहीं है। इस कोलकाता शहर के घर घर में उसके चाहने वाले मौजूद हैं। याद रहे, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम सब मारे जाएंगे। आखिर इतना डर क्यों रहे हैं, वो इंसान ही है ना, भेजे में गोली उतार के खलास कर देंगे। करना तो है लेकिन जरा चालाकी से। कहाँ मिलेगा वो? उसकी कॉलोनी उसका ठिकाना है, जाओ दबोच लो। किसने भेजा था तुझे? जगावर और डीजीपी ने। सर, हमारे आदमी पकड़े गए, उन्होंने सारे राज उगल दिए होंगे। होना हो नायक जरूर हमला करेगा। मैं यही चाहता हूँ, उस तक ये खबर पहुँचा दो कि हम मंत्री के घर पर हैं। वो सिर फिरा वहाँ जरूर जाएगा, एक बार दो शिकार। समझ गया सर। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तो क्या करूँ, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी परछाई मुझे छोड़ सकती है, पर वो नायक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी जायदाद छीन ली, पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। मैं रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लो। भाई वो आ गया। अरे खाना मेरा खाता है और गाना उसका खाता है। नायक के हाथों मिनिस्टर का खून। क्या बकवास कर रहे? कंबक ने नाक में दम कर रखा था, मेरे दोनों भाइयों को मार डाला, गले की हड्डी बन गया था ये, लेकिन अब नहीं बचेगा तू। तेरे मरते ही मेरी हुकूमत लौट आएगी, फिर से मेरा दबदबा होगा, सब मेरी रहमो करम पर जिएंगे, शहर पर मेरा कब्जा होगा। मैं तेरे परिवार और चाहने वालों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डालूंगा। ये मिनिस्टर तो मेरे हाथों मर गया, अब बहुत जल्द मैं उसकी जगह मिनिस्टर बनूंगा। ए, देख तुम्हारा कि नहीं टपक गया भाई। इसकी लाश को ठिकाने लगा दे।
पूरे महकमे में यह खबर फैला दो कि मिनिस्टर का खून करके नायक भाग गया है। ठीक है सर। मेरे मंत्री बनते ही इस केस को मैं रफा दफा करवा दूं। दुर्गा मां ने मुझे बचा लिया। मिनिस्टर का खून मैंने नहीं किया, ये साबित करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन उन राक्षसों को उनके किए की सजा दिलाना ये मेरा मकसद बन गया। चलो मम्मी। कहाँ जा रहे तू? ये ट्रेन तो हावड़ा जा रही है। हम भी वही जा रहे हैं। हावड़ा क्यों? बताता हूँ। नायक भाई, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन है? वो देखने में हूबहू आप जैसा है। हाय, मेरा नाम चेरी है। चैतन्य, तुम्हारे बारे में पढ़ा तो तुमसे मिलने चला आया, लेकिन क्यों? गज्जू भाई का कम था जो जगावर से दुश्मनी मोल ले रहा है। पहले तो एक भैंस पानी में जा रही थी, अब तो भैंस के साथ साथ हम सबका डूबना तय है। क्या करूं? कैसे हो जगावर बिरादर? कहां मर गया था तू? उसने सिर्फ धुलाई ही नहीं की, स्त्री भी कर दी। हम शहीद तो हो गए पर आखिरी दम तक लड़े। आजकल लोग एक कील या डुप्लीकेट इंजेक्शन से मर जाते हैं, और पूरा हथियार घुसने के बाद भी आप अभी तक जिंदा है। किस मिट्टी के बने हैं आप? करेक्ट। पुलिस की नजर में मंत्री का कातिल अभी भी वही है, यहाँ तक कि उसने आप पर हमला भी किया। फांसी से उसे कोई नहीं बचा सकता सर। फांसी मिलेगी लेकिन उससे भी नहीं मरेगा वो। तो एक काम कर, जब पुलिस उसको कोर्ट ले जाएगी तो रास्ते में उसे मरवा दे। ये नामुमकिन है सर। क्यों? क्योंकि कल उसके लाखों चाहने वालों की भीड़ उसके इर्द गिर्द होगी, ये गलती भारी पड़ सकती है। अच्छा, लोग उसे फरिश्ते की तरह पूछते हैं, अगर उसे खरोंच भी आई तो लोग हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। छोटी सी उम्र में ये करोड़ों चाहने वालों का मसीहा बन गया है। मसीहा कोई उम्र से नहीं, नेकी से बनता है सर। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, ये नहीं बचेगा। जनता इसे नहीं बचा पाएगी, देखना इसे फांसी ही मिलेगी। चैतन्य, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें फांसी होने वाली है। तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मुझे फांसी होगी, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि ये मेरे हाथों जिंदा बच गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा चैतन्य। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मंत्री जी का कत्ल इसी ने किया है, और यही वो शख्स है जिसने भीमा सेठ को तड़पा तड़पा कर मारा था। और ये यही नहीं रुका, इसने मेरे क्लाइंट जगावर जी पर लाखों के भीड़ के बीच जानलेवा हमला किया। ऐसे कातिल के लिए सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए योर ऑनर, ताकि ऐसा करने से पहले सब हजार बार सोचे। मेरी अदालत से यही गुजारिश है। क्या ये सच है? तुम्हें खुद पर लगे इल्जाम कबूल है? जज साहब, मुजरिम से क्या पूछना, मैं कह रहा हूँ तो उतना सबूत काफी है। वक्त बर्बाद मत कीजिए, उसे फांसी की सजा दीजिए। खामोश हो जाइए, अदालत अपने कायदों से चलती है। जवाब दो, गुनाह कबूल है? जी हाँ जज साहब, वो गुनाह मैंने किया है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये तमाम गुनाह चैतन्य नायक ने खुद किए हैं। जज साहब, सेम टू सेम, ये तो एकदम चैतन्य जैसा है। दोनों जुड़वा है क्या? फिर तो ये केस उलझ जाएगा। देखते हैं कि जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। मुझे तो ये डबल रोल का झोल लगता है सर।
नमस्ते जज साहब। कौन हो तुम? हूबहू चैतन्य की तरह दिखते हो। मेरा नाम चैतन्य नायक है। ये सारे गुनाह मैंने किए हैं। नहीं योर ऑनर, मैं ही चैतन्य नायक हूँ। मुझे लगता है ये मेरा कोई फैन है, इसीलिए मेरे जैसे कपड़े पहनकर मेरे गुनाह अपने सर ले रहा है। नहीं जज साहब, ये मेरा फैन है जो मुझ जैसे कपड़े पहनकर मेरे गुनाह अपने सर लेने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्त, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर। हेलो बॉस, मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए आप। बहुत हुआ, बस करो। अगर तुम नायक हो तो ये कौन है? मेरा फैन है। ए, जब वो तेरा फैन है तो तू कौन है? चैतन्य नायक। नहीं नहीं नहीं, चैतन्य नायक तो मैं चैतन्य हूँ। नहीं, मैं हूँ, मैंने कहा ना मैं हूँ। चैतन्य मेरा नाम है। जज साहब, मैं जानता हूँ मुझ पर हमला किसने किया था। मुझ पर हमला इसने किया था, यही है चैतन्य नायक। इनकी बात मत सुनिए जज साहब, मुझे लगता है ये कंफ्यूज है। आप इन्हें 5 मिनट बाहर भेजिए, मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। अदालत 5 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। अरे रे रे, पूरा मामला बिगड़ गया। कहां इसकी फांसी के ऊंचे ऊंचे सपने देख रहे थे, उस हमशक्ल के आते ही सपने चूर हो गए। अचानक ये हमशक्ल कहां से आ गया? दरअसल उसका नाम चेरी है, जो मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कंफ्यूजन में हम भी धोखा खा गए। इसका मतलब तुम उसे पहले से जानते हो? वो बेकसूर था, इसलिए पहले उसे पकड़ा, फिर बाद में उसे छोड़ दिया। तेरी अकल भेजे में है या घुटने में? शुक्रिया जनाब। सर, मुझे एक बात की टेंशन हो रही है। अगर चेरी और चैतन्य ने आपस में जगह बदल ली तो जरा संभल कर रहिएगा सर। ये बताइए, इन दोनों में से आप पर हमला किसने किया था? जरूर जगह बदल दी होगी इस आदमी ने। कुछ देर पहले तो आपने इसे कहा। हाँ, लेकिन अब इन्होंने जगह बदल दी होगी ना? बिल्कुल नहीं बदली। तुझे मैं बाद में देख लूंगा। दोनों को फांसी दो और मामला खत्म करो। ये दोनों मुजरिम हैं, दोनों को फांसी दो, दे दो जल्दी, अभी क्या दे दो। अदालत के काम में इस तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के मुताबिक 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। पासा पलट गया है, बस ये कैसे साबित होगी? चूंकि ये दोनों गुनहगार हमशक्ल हैं, इसलिए मुजरिम को पहचानना मुश्किल है। लिहाजा अदालत CBI को ताकीद करती है कि इन दोनों को इन्हीं के घरों में नजरबंद करके असल मुजरिम की पहचान की जाए, वो भी 10 दिनों के अंदर, और उसके बाद ही इस केस की सुनवाई होगी। चैतन्य को अरेस्ट करना। जब तक वो दोनों कोर्ट की कस्टडी में है, हम उन्हें चाह कर भी नहीं छू सकते। इनके गुनाहों का फैसला जज पर छोड़िए ना। ए, मुझे फिजूल के एक्सक्यूज नहीं चाहिए, जो कहा है वो करो, जाओ। ओके जनाब। शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। देखिए, हम सब इंसान हैं, इंसान ही इंसान के काम आता है। जगावर देखता जा, अब मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। 10 दिन बाद इसी कोर्ट में जनता भी होगी और जज भी। मैं भी वहीं रहूंगा, लेकिन तू वहां नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इसके अंदर की गर्मी बता रही है कि नायक यही है। नायक मैं हूं। तो फिर वो तेरे नक्शे कदम पर क्यों चल रहा है? वो फ्री था तो उसे भेज दिया। एक बात बता, तूने उसे पहचाना क्या? जब आप जैसे होशियार नहीं पहचान पाए तो मुझ जैसा अनाड़ी क्या पहचानेगा? अरे बाप रे, इनके चक्कर में मैं खुद घन चक्कर बन जाऊंगा। भाई आप मेरी बात सुनिए, उसे मारने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब उसने आप पर हमला किया था तब तो वो अकेला था, लेकिन अब वो दो हो गए हैं। भाई मेरा मशवरा मानिए, पुलिस को बयान दीजिए कि मेरा नायक से कोई लेना देना नहीं, मैं उसे पहचानता तक नहीं, और फिर आप ये शहर छोड़कर, मैं तो कहता हूँ दुनिया छोड़कर चले जाइए। अगर आपने ये केस वापस नहीं लिया तो हम सब आपके साथ बेमतलब मारे जाएंगे। ऐसे कैसे हार मान जाए? केस हमने बनाया है, हमें चैतन्य के मुँह से ये कबूल करवाना होगा कि वही नायक है। बिल्कुल ठीक कहा। ए, मुंबई चार, जो भी उसे जानते उसे उठा कर ले गया। अपनों की जिंदगी बचाने के लिए उस नायक को अब सच उगलना ही पड़ेगा। और तुम लोग, ये क्या चल रहा है? क्या आपकी बेटी चेरी से प्यार करती है? हाँ, करती है ना, तो क्या हो गया? जगावर भाई ने आपको कोलकाता लाने का ऑर्डर दिया है। अब ये जगावर स्टोरी के बीच में कैसे घुस गया? कौन है ये जगावर का बच्चा? ज्यादा बोल, वचन मत कर, चल मेरे साथ। हाथ में गन है तो भाई की इज्जत का जनाजा निकल रहा है। दम है तो गन फेंक, फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। है दम? अबे इसे बंद कर मेरे बाप, हम चलते हैं। अबे गंजे मुंह का गटर मत खोल, खोपड़ी उड़ा देगा ये। भाई, नायक भाई के हाथ में आ गए। जगावर के लोग कहाँ गए? वो तो भाग गए।
आप हमारे साथ चलिए, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन तुम हो कौन? हम नायक के आदमी हैं। अब ये नायक कौन है? कोलकाता जाते ही समझ जाओगे, तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ जाएगी। वो वहाँ क्या करेगी? क्योंकि उसे चेरी ने बुलाया है। अच्छा, तो ये उसकी कारस्थानी है। अंजलि, हम किडनैप हो गए हैं, हमें कोलकाता जाना है। हाँ, पर मुझे मैचिंग लिपस्टिक नहीं मिल रही है। यहाँ हमारे सर पे तलवार लटक रही है और महारानी को मेकअप की पड़ी है। चेरी नहीं दिखाई दे रहा भैया, चेरी कहाँ? देखा है? प्यार का नतीजा। खुशामदीद, कोलकाता में स्वागत है। जब से तुम्हारा मनहूस साया हम पर पड़ा है, जिंदगी की पुंगी बच गई है। अब यहाँ किस लिए बुलाया है? उसकी एक वजह है, नायक साहब ने कहा है कि तुम यहाँ महफूज रहोगे। नायक नहीं, खलनायक है वो। वो मेरी हिफाजत क्यों करने लगा? ठहरिए जनाब, इस राज से पर्दा बाद में खुलेगा। एक राज से शहर छोड़ना पड़ गया, दूसरा दुनिया छुड़वाएगा क्या? चेरी, ये आजकल के लोग बड़े बुजुर्गों की इज्जत ही नहीं करते। कुछ नहीं हो सकता, वो हाथ से निकल चुकी है। Excuse me, actually I'm not Cherry. क्या? मैं Cherry नहीं हूँ। अरे, अब ये कौन सा गेम खेल रहा है? जरूर कोई नई मुसीबत आने वाली है। आपका सफर तो ठीक रहा ना? सफर कहाँ, हम तो सफर ही कर रहे हैं। आप चेरी के परिवार से है ना? आपका नाम? मैं मनसुख लाल हूँ और ये मेरा भतीजा गज्जू। अगर और कुछ भी पूछना है तो वो भी लगे हाथ पूछ लो। अरे ये चंपक, इसकी याददाश्त चली गई? बोला था ना पर्दा उठना बाकी है। अपने बाई तरफ देख। हाय। हेलो अंजलि। चेरी मैं हूँ। लॉक कर दूँ? गले लग कर देख लो। भैया यही असली चेरी है, पक्का। ओके ठीक है, ये बताने के लिए बार बार गले लगने की क्या जरूरत है? एक कम था कि दूसरा भी आ गया। दादी कहती है एक शक्ल के साथ लोग होते हैं। वो अपनी बकवास बंद कर लो। दो में ही बेड़ा गर्क हो गया, पांच और आ गए तो क्या हाल होगा? ये दो ही 200 हैं। ये सब क्या है? अंजलि मेरी मॉम अंदर है, वो सब बता देंगी। ठीक है। क्या हुआ चाचे, तुम नीट क्यों मार रहे हो? जी भर के पीने दे मुझे। मुझे एक बात कहनी है, सारी मुसीबत की जड़ ये चपड़गंजू है। बेटर है ना ही ये बहन का रिश्ता करवाता और ना ही ये सब होता। सही बात है कि नहीं? जरा सोचिए आप, ना मैं आपसे मिलता, ना चेरी चैतन्य से मिलता। मुद्दे की बात है, गौर फरमाइए। मुझे क्यों मारा? और क्या करूं बेट, तुझे सिर्फ अपनी बहन की पड़ी है, जबकि गज्जू की बहन कुंवारी है। पर उसकी उम्र तो मेरी बहन से कम है। तो क्या हुआ, दो चार साल और रुक जाता तो तेरी बहन को दूल्हा नहीं मिलता? बहुत से भिखमंगे घूम रहे हैं दुनिया में। चाचू। क्या हुआ? चाचू कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने गलती से चैतन्य को झप्पी दे दी, अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप उसे समझा देंगे? अच्छा अच्छा, झप्पी तुम दो और समझाऊं मैं? क्या जरूरत थी उसके गले पड़ने की? दीदी दीदी क्या हुआ? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, चेरी को चैतन्य समझ के बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं था कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है? यही तो मुसीबत है, हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। मालिक एक काम करो, फ्री टाइम में आप बेडरूम के बाहर जाकर खुद रखवाली करो। बकवास बंद कर वरना बोतल फोड़ दूंगा। अरे चंपक। हाँ जनाब। जाके उन दोनों को समझाना मेरे बाप। हम शक्लें हैं, आदत डालने में वक्त तो लगेगा ना। इस स्टोरी की शुरुआत तुमसे ही हुई है, इसलिए जाओ और समझाओ उनको। जाता हूँ, चलो गर्ल्स। बेचारा चंपक इतनी माथा पच्ची के बाद भी नहीं जान पाया कि कौन नायक है और कौन खलनायक। अब ये गुत्थी तभी सुलझेगी जब वो दोनों खुद ही इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कौन असली है और कौन नकली। बस आया, वो भी खाली हाथ। तेरी एक गलती की वजह से वो कानून के शिकंजे से बच जाएगा। एक क्या कम था जो दूसरा आ गया। अब और फिक्र करने की जरूरत नहीं है सर, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसे? उसे फोन कीजिए। हेलो। सुन नायक, तू कोलकाता की आवाम को बहुत चाहता है ना, तो एक काम कर, स्टील फैक्ट्री में जल्दी से पहुंच जा, वरना सैकड़ों स्कूल के बच्चों को मैं बम से उड़ा दूंगा। चल रखता हूँ, जल्दी आ जा। चिकावर। खलनायक स्कूल के बच्चों को ढूंढ रहा है, उन्हें मौत से बचाना चाहता है। मुझे पता था बच्चों के लिए तो जरूर आएगा, अब आ तो गया है लेकिन जा नहीं पाएगा। मुझे मार कर भी तो नहीं बच सकता, क्योंकि मैं तो नायक हूँ ही नहीं, मैं चेरी हूँ। अरे तो यही बात कोर्ट में नहीं बता सकते थे? चुबे, कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। तुमने फोन तो नायक को किया था, पर उठाया था मैंने। नायक मेरा कोई मेले में खोया हुआ भाई नहीं है, फरिश्ता है, और तू एक शैतान है। तुझे मारने के लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा ना, तो
उसे बचाने के लिए आज मैं यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, अब जब तू आ गया है तो वो भी जरूर आएगा। ए, मेरा फोन दे। दीदी मेरा फोन कहाँ है? यो नायक, हवा निकल गई ना, आकर बचा ले अपने डुप्लीकेट को। तेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, वरना सिर्फ लाश ले जाना। ये नायक है या खलनायक? अब पीछे थप्पा थोड़ी लगा है। गुप, मुझे पूरा यकीन है कि वो जगावर को मारने गया है। मर गया, मर गया नायक, मर गया साला। भाई, लगे हाथी से भी मार दो, कोर्ट कचेरी का मसला ही हल हो जाएगा। तो हमेशा के लिए ही मरेगा। तेरा नायक तो ऊपर चला गया, तू भी जाना चाहता है ना उससे मिलने? ए, इसे ऊपर पहुंचाने की तैयारी करो। ऊपर नायक को मेरा सलाम कहना। ये जगावर को खत्म कर देगा और उसके बाद हमें भी। तेरे पापों का घड़ा भर गया है, तुझे तेरे किए की सजा देता हूं।
सुसाइड बॉम्बर क्यों बना रहा है? हमें चॉकलेट दी और इसे जैकेट। देख रहे हैं कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह बिखरे पड़े हैं। ए, ये सब किसने किया? जगावर जी कहाँ है? वो रहा ऊपर। वहाँ कोई नहीं है। कुछ देर पहले वही था। यानी ऐसा उस सुतली बम ने किया? सुतली बम समझकर फोड़ा तो ये हाल है। रॉकेट समझा होता तो ये किया किसने? नायक ने। नायक के डबल रोल हैं। किस वाले ने किया? वो जो दूसरा है ना, जोश में आके होश खोने का अंजाम जानता है। सीबीआई वाले हैं, चक्की पिसवाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर ये बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? सर, यहाँ टूटी हड्डी जोड़ने वाली दवाई मिलती है, वही लेने आए थे हम। गैराज में हड्डियों की दवाई? किसने बताया तुझे? इस कमबख्त ने बताया था। आने जाने के भाड़े के लिए भी लोन उठाया है। अब चलो यहाँ से, लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। कम से कम भीख के पैसे तो मिल जाएंगे। सर, पहला सबूत तो जगावर था, दूसरा सबूत ये था। दोनों ही बेकार हो चुके हैं। अब मेरी बात मानिए, इस केस को भी अनसॉल्व केस की तरह बंद कर दीजिए और इसे भूल जाइए। मैं तो पहले से ही जानता था ये केस बहुत पेचीदा है। मेरी केस क्लोज हो गया, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। अच्छा चंपा, सारी ड्रामेबाजी खत्म हो गई या तुम्हारी स्टोरी में और भी कोई ट्विस्ट बचा है? एक ट्विस्ट और है, चेरी और अंजलि की शादी। मुझ कुआरे की भी शादी करवा दीजिए। दोबारा शादी का नाम लिया ना, मैं जान से मार दूंगा। चेरी, मुझे बचाने के लिए तूने अपनी जान दांव पर लगा दी, तुझे कुछ हो जाता तो? अरे भाई, चैतन्य के रहते चेरी को कोई हाथ लगाए, हो ही नहीं सकता। थैंक्स चेरी। मैंने सुना तूने गांधीनगर कॉलोनी खाली करवाने के लिए नोटिस भेजा है। मैं तो सरकारी ड्यूटी निभा रहा हूँ सर। लोग सरकार के लिए नहीं, सरकार लोगों के लिए बनाई गई है।